वेलकम टू माई क्लास आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो तो, दो चीज़ पढ़ने वाले हैं वॉट इज रे वॉट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन दो टॉपिक पहले हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए रे के बारे में हम स्टडी करते हैं रे क्या होता है रे ऑफ लाइट तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कोई सोर्स है यहाँ पर ठीक है इसको मैंने बोला ये सोर्स है ठीक है और यहाँ से मैं किसी ऑब्जर्व कर रही हूँ ये मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ तो यहाँ सोर्स से मेरे पास एक लाइट आ रही है ऐसे ये यहाँ पर तो ये जो स्ट्रीट लाइन में एक हमारे पास लाइट आ रही है और इस मैंने ये एरो लगा दिया इसको हम क्या कहते हैं रे ऑफ लाइट लाइट जो हमारे पास आ रही है सोर्स से हमारे पास यहां पर मैं खड़ी होकर ऑब्जर्व कर रही हूं और ये जो मैंने इसको एक एरो लगाया इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट ये जो रे ऑफ लाइट होती है हमेशा कैसी होती है स्ट्रेट लाइन में होती है कैसी होती है स्ट्रेट लाइन में होती है यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन में होती है बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस की अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जैसे न्यूटन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बताया उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर उन्होंने कार्डबोर्ड लिया ठीक है यहाँ पर उसको थोड़ा सा होल किया उस तरह से यहाँ पर तीनों इस तरह एक दो तीन किस तरह भी कार्डबोर्ड हम ले सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक सोर्स मैंने ये लगा दिया है मान लीजिए ये कैंडल मैंने यहाँ पर लगाई है तो यहाँ से ये अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता है इस तरह से तो हमें यहाँ पर ये जो सोर्स है ठीक है ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है ठीक है यहां पर ये हमें दिखाई देता है जो हमने यहां पर है यहां पर दिखाई देता है लेकिन अगर मान लीजिए ये एक भी यहां से हट जाता है और ये थोड़ा भी टेढ़ी हो जाती है अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि ये जो सोर्स है जो यहां पर था वो हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होता है तो ये जो लाइट है ये कैसी होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए जो रे होती है रे क्या ये जो हमारी एक लाइन है इस पर हमने क्या लगा दिया इस तरह से एक एरो लगा दिया ये क्या, क्या कहलाती है हमारी रे कहलाती है अब ये जो रे ऑफ लाइट है क्या ट्रेवल करती है क्या इसमें ट्रेवल होती है लाइट के साथ इसमें एनर्जी ट्रेवल होती है अब जब फ्री स्पेस में जो हमारी लाइट होती है उसकी स्पीड कितनी होती है स्टूडेंट्स ये तो हमें थोड़ा बहुत पता है फ्री स्पीड में जो हम इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं ये तो ये कितनी होती है लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन टू पावर एट कहां होती है फ्री स्पेस में होती है ठीक है तो हमने क्या किया एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर की है यहाँ पर ऑल्सो कंसिडर द लाइट विच पासिस फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इन अ मीडियम एक मीडियम में हमने एक लाइट ली है ये यहां से यहाँ पर पास हो रही है और इसमें हमने क्या लगा दिया एरो लगा दिया तो ये हमारी क्या कहलाती है रे ऑफ लाइट एक्चुअली द लाइट पासिस थ्रू ऑल द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन ए बी such आ straight line path is called the ray of light. Generally रिप्रेजेंट by the directed arrow. और जो ये हमारी ray of light होती है, इसको straight line में होती है और इसको हम क्या लगाते हैं इसको arrow से represent करते हैं तब जाके हमारी कहलाती क्या 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 है रे कहलाती है अब ये तो बात हुई जब हमारी ray जो है free space में transmit हो रही free space में चल रही है अगर ये चलते चलते किसी medium से interact हो जाती है या किसी medium से टकरा जाती है तो क्या होता है ठीक है तो हम इसमें देखते हैं अगर ये किसी मीडियम से टकराती है मान लीजिए यहाँ पर ये कोई मीडियम है है ठीक लाइट हमारी आई फ्री स्पेस से इस तरह से आती है ये एक हमारी इंसिडेंट रे है इसको हम बोल देते हैं ये रे यहाँ से आई ठीक है अब यहाँ पर ये क्या है एक इंटरफेस है यानी कि इंटरफेस का मतलब कि यहाँ पर एक मीडियम है ये यहाँ ठीक है ये रहा। अब यहाँ पर जब ये रे जाती है तो इसके तीन तीन चीजें इसमें होती हैं क्या करती है ये लाइट यहां पर ये इंटरफेस का मतलब है जिस मीडियम से ये टकराती है उसको क्या बोलते हैं ये हमारा क्या कहलाता है इंटरफेस कहलाता है ठीक है स्टूडेंट समझ में आया यहाँ पर ये चलते चलते आई मत मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से बहुत दूर से आती है जब दूर से आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं पैरल्डी आ रही है बहुत दूर से आती आती है हमें दिखाई देती तो ये तो हमें पैरल्डी आती दिखाई देती है इसका मतलब ये लाइट यहाँ से ही रे आ रही है रे को हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आई और इसको हमने एक एरो से रिप्रेजेंट किया अब यहाँ पर आई आती है तो इस पर तीन क्या चीज़ें होती हैं पहला एक तो क्या करती है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट दूसरा क्या होता है यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है दूसरा क्या होता है पहला रिफ्लेक्शन होता है यहां पर ये इसको लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है एब्जॉर्प्शन और तीसरा क्या होता है यहां पर मान लीजिए कोई मीडियम है ग्लास है या वाटर है जब लाइट उसके अंदर जाती है तो वो उसको ट्रांसमिट भी करती है आगे की तरफ इस तरह से तो ये क्या करती है इसको आगे ट्रांसमिट भी करती है तो तीसरा इसमें क्या होता है ट्रांसमिशन होता है ठीक है तो अब यहां पर क्या क्या होता है ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो यहां पर क्या हो जाता है हंड्रेड परसेंट ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है हंड्रेड परसेंट एब्जॉर्प्शन ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्ट होती है दूसरा क्या होता है एब्जॉर्बन होता है यहाँ पर ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है तीसरा क्या करती है इसको ट्रांसमिट करती है जब कोई हमारे पास कोई मीडियम है वाटर है या ग्लास है तो उसमें है, हमारी क्या होती है हमें ट्रांसमिट होती हुई नजर आती है तो तीन तरह की चीज़ें इसमें होती हैं जनरली इसमें हम क्या पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं अब जो ये रिफ्लेक्शन होता है नेचर में हमें दो तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है एक तो होता है दो तरह का रिफ्लेक्शन हमें कैसे देखने को मिलता है देखिए यहाँ से कोई लाइट यहाँ सामने एक लाइट है ठीक है लाइट है बाहर कहीं कोई लाइट है वो लाइट इस बोर्ड पर जाती है ठीक है इस बोर्ड पर जाती है और बोर्ड से मेरी आंखों में आती है ठीक है तो वो लाइट मुझे नहीं दिख रही है वो लाइट मुझे नहीं दिख रही है मुझे क्या दिख रहा है ये ब्लैक कलर का ये जो रे है ये लिखाई दिख लिखा हुआ दिख रहा है ये ये मुझे रे इस तरह से ये देखिए पर्पल कलर का ये जो रे है वो दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है लाइट कहीं एनी अदर सोर्स से कहीं बाहर से आई इस बोर्ड पर गई बोर्ड पे क्या हुआ मुझे जो लिखा है वो दिखाई देगा तो ये क्या है ये भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है लाइट आई बोर्ड पर गई ये मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है यानी कि मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन हुआ मेरी आंखों में आया और मुझे क्या दिखाई दिया बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है बोर्ड दिखाई दे रहा है एक दूसरी तरह का रिफ्लेक्शन होता है क्या लाइट आई ठीक है और मेरे फेस पे आई और मेरे पास क्या है यहाँ बोर्ड ना होकर क्या है मिरर है क्या है मिरर है अब मिरर पर क्या होगा लाइट कहीं बाहर से आई मेरे फेस पे आई फेस के सामने क्या है मिरर है मिरर पे गई रिफ्लेक्ट होके वापस आई तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है अब वो जो मिरर है उस पर क्या है यहाँ से लाइट आई मेरे फेस पे आई तो फेस क्या हुआ अब यहाँ पर मुझे अपना फेस दिखाई देगा मिरर में क्या दिखाई देता है मेरा फेस दिखाई देता है यानी कि सोर्स क्या है लाइट का सोर्स क्या है मेरा फेस यानी कि लाइट बाहर से आएगी मेरे फेस से मेरे फेस पे आई और मिरर पे गई ठीक है फेस से मिरर पे गई मिरर से टकराई वापस मेरा फेस मिरर को देखा मैंने तो मेरा क्या दिखा मुझे मेरा फेस दिखाई दिया अब यहाँ पर मेरे फेस की जगह कोई और लाइट भी हो सकती है यहाँ पर कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई बल्ब हो सकता है कोई चेयर हो सकती है ठीक है कुछ भी कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है तो दो तरह का रिफ्लेक्शन हुआ एक तरह का रिफ्लेक्शन में क्या दिखा मुझे सोर्स दिखा ठीक है एक तरह के रिफ्लेक्शन में क्या दिखा सोर्स दिखा कैसे सोर्स क्या था मेरा फेस फेस ठीक है लाइट 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 आई light मेरे पे आई मेरे पे कहीं बाहर से आ रही है ठीक है मेरे फेस पे आई अब फेस से वो लाइट गई मिरर पे मिरर से रिफ्लेक्ट होके मैंने यहां पर मेरे फेस पे मैंने देखा तो मुझे क्या दिखा मिरर में मेरा फेस दिखाई दिया यानी कि सोर्स क्या है मेरा फेस है ठीक है तो एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें मुझे सिर्फ सोर्स दिखाई देता है जिसमें सोर्स दिखाई देता है और दूसरी तरह का मिरर एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें हमें सोर्स दिखाई नहीं देता यानी कि लाइट आई बोर्ड पर गई और बोर्ड 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 से मेरे को ये दिखाई दे रहा है दिखता है दिखता हमें वो लाइट दिखाई नहीं दे रही है ठीक है तो इस तरह की दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक में हमें मिरर मिरर पे देखते हैं तो एक में हमें मेरा फेस दिखाई देता है सोर्स दिखाई देता है दूसरे में हमें सोर्स दिखाई नहीं देता है आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी आई होप ये बात क्लियर होगी कि एक में हमें सोर्स दिखता है एक में हमें लाइट नहीं दिखती एक में हमें बोर्ड दिखता है बोर्ड के पार्टिकल बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई देता है ठीक है तो एक जो हमें जिसमें हमें सोर्स दिखता है उस तरह के उसको हमने क्या बोल दिया उसको हम बोल देते हैं मिरर उसको मैंने क्या बोल दिया उसको मैंने बोला मिरर ठीक है तो अब ये जो मिरर है इसमें हमने क्या किया एक इस तरह से एकदम प्लेन मिरर इस तरह से ले लिया ठीक है एक एकदम प्लेन मिरर हमने ले लिया अब हमने क्या किया और एक मिरर हमने ले लिया इस तरह से जिगजैक मतलब कि इस तरह से थोड़ा रफ सरफेस पे ठीक है क्या लिया एकदम प्लेन मिरर ले लिया और इसका थोड़ा सा रफ सरफेस ले लिया ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है ये लाइट रे इस तरह से आती है इंसिडेंट रे आती है और यहाँ पर मान लीजिए ये सोर्स है ये कैंडल हमें रखी हुई दिखाई देती है तो ये ऐसे आती है रिफ्लेक्ट होती है और वापस ऐसे आ जाती है ठीक है फिर ये एक लाइट और इस तरह से जाती है रिफ्लेक्ट होती है वापस आ जाती है इस तरह से ये लाइट इधर जाती है इससे टकराती है इंटरफेस होता है इस पर टकरा के वापिस इधर आ जाती है तो हम क्या देख रहे हैं ये सोर्स ही हमें सेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है हमें क्या दिखाई दे रहा है वो सोर्स हमें दिखाई दे रहा है और इस तरह का हम एक इस चीज को हम क्या बोलते हैं मिरर कहते हैं ठीक है हमने यहां पर क्या लिया एक प्लेन मिरर लिया प्लेन सरफेस लिया ठीक है और यहां पर हमने क्या लिया एक रफ सरफेस लिया अब हम इस पे देखते हैं तो क्या होता है इस रफ सरफेस पे यहां से हमने एक इंसिडेंट रे भेजी ठीक है ये रे यहाँ पर जाती है रे यहां पर गई और जाने के बाद क्या हुई यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे चली गई ठीक है रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई अब ये रे हमने यहाँ से इस तरह से भेजी ये रे, रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई ठीक है फिर हमने एक रे यहाँ पर भेजी यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई तो आप देखिए ये यहाँ पर देखिए एक तरह से ये पैटर्न इस तरह से बन रहा था यहाँ पर मैंने सोर्स रखा लेकिन यहाँ पर मुझे सोर्स दिखाई नहीं देता यहाँ पर क्या है ये जो सरफेस है, है ये जो सरफेस है ये सरफेस कैसा है इसके साथ टेंजेंट ऐसा बना रहा है ये इसके साथ ऐसा टेंजेंट बना रहा है ये इसके साथ इस तरह से टेंजेंट बना रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं यहां पर जो ये रफ सरफेस है रफ सरफेस है उसके साथ क्या होता है इसका पैटर्न चेंज हो जाता है और यहाँ पर सरफेस कैसा है प्लेन तो पैटर्न सेम रहता है ठीक है से यही क्या होता है ये जो रे होती है ये डाइवर्स हो जाती है रे क्या हो जाती है डाइवर्स हो जाती है ठीक है और पैटर्न चेंज हो जाता है पैटर्न चेंज का क्या मतलब है जब ये रफ सरफेस पे गई यहां पर ये सरफेस है इसका कलर मान लीजिए ब्लू है ठीक है तो यहां पर हमें यहां पर कोई ब्लू कलर दिखाई देगा ठीक है ये हमें ये सोर्स दिखाई नहीं देगा यहाँ पर मान लीजिए पर पर गई यहां पर कोई और ऑब्जेक्ट है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा तो ये क्या हो जाती है, हो जाती है।, ये नहीं होती है, है ना तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाता है और यहाँ पर पैटर्न कैसा रहता है सेम रहता है ये जो पैटर्न होता है यहाँ पर पैटर्न सेम रहता है सेम का मतलब क्या है हमें क्या दिखाई देता है सोर्स सोर्स दिखाई देता है जो सोर्स है वो ही सोर्स दिखाई देता है तो हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं एक होता है रेगुलर मिरर और एक होता है इरेग्युलर मिरर। ठीक है तो ये जो मिरर होता है अब जो ये प्लेन मिर अब ये जो ये जो मिरर होता है इसको हम बोलते हैं रेगुलर और इसको हम बोलते हैं इरेग्युलर ठीक है इस तरह से अब ये जो मिरर होता है इसकी दो प्रॉपर्टी होती है अब जो ये मिरर होता है ये कैसा होना चाहिए ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए ऑप्टिकली प्लेन ठीक है कैसा होना चाहिए ऑप्टिकली प्लेन और दूसरा ये कैसा होना चाहिए ओपिक दो प्रॉपर्टी मिरर की होती है मिरर समझ में आया क्या होता है अब मिरर की क्या होती है दो प्रॉपर्टी होती है पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मिरर कैसा मिरर कैसा होना चाहिए ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए दूसरा ये कैसा होना चाहिए ऑपिक ऑपिक का मतलब क्या है ये इसको ट्रांसमिट नहीं करनी चाहिए है ना सोर्स इसको इसको इसमें जो रे आई है वो वापस इतनी फाइन इतना फाइन ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए कि हमें इसमें से जो हम अगर हम मिरर में देखें तो हमें क्या दिखाई दे वो सोर्स नजर आए ठीक है तो इसका ऑपिक का क्या मतलब है अगर इसके पीछे ये जो एक प्लेन मिरर है इतना फाइन प्लेन है ऑप्टिकली प्लेन है इसके पीछे मैं ये ऐसे पॉलिश कर दूं तो ये क्या हो जाएगा ये इसको पीछे जाने नहीं देगा यहाँ पर ये यह जो रे आएगी इसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरह से ये यह, यहाँ से इंसिडेंट रे आई ये इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर हमें मिल जाएगा तो ये ओपेक होता है ठीक है और ये इतना फाइन प्लेन होता है इतना फाइन होता है कि जो सोर्स हमने दिया है वही सोर्स हमें इसमें नजर आ जाए इतना फाइन होता है ठीक है तो ये बात हमें समझ में आई रे क्या होती है रे हमारी एक स्ट्रेट लाइन में होती है ठीक है और हमारे पास जो अब, अब जो लाइट होती है वो जो रे आती है वो हमारी किस तरह से आ, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन होता है अगर किसी मीडियम से ये इंटरैक्ट होती है इंटर इस पर इंटरफेस होता है किसी मीडियम पे ये टकराती हैं जब ये रे ऑफ लाइट हमारी फ्री स्पेस से आती है तो क्या होता है इसमें ये तीन तरह का इसमें प्रॉपर्टीज होती है पहला रिफ्लेक्शन दूसरा एब्जॉर्बशन तीसरा ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन की हमारा अब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्लेक्शन में हमारी हमने देखा दो चीज़ें दो प्रॉपर्टी होती है नेचर में एक में हमें सोर्स दिखाई देता है दूसरे में हमें सोर्स दिखाई नहीं देता ठीक है तो ये हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में उसके बाद हमारा मिरर क्या होता है मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमने पढ़ा अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें हमारी कि रे ऑफ लाइट जो होती है बंडल ऑफ लाइट्स रे जो हमारी है ऐसी बीम ऑफ बंडल यानी कि बहुत सारी रे ऐसे, स्ट्रेट, ऐसे पैडलर एक साथ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बंडल ऑफ लाइट्स उनको क्या कहते हैं बंडल ऑफ लाइट्स इसको हम पढ़ते हैं अभी देखिए बीम ऑफ लाइट या बंडल ठीक है तो क्या होता है अ बंडल ऑफ लाइट रे कॉल्ड ऑफ लाइट द फॉलोइंग फिगर शो ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट बहुत सारी रेज एक साथ इकट्ठी हो जाती है और उनका बंडल बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं बीम ऑफ लाइट और बंडल ऑफ लाइट कहते हैं ठीक है तो आ, अच्छा अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा एक रिफ्लेक्शन होता है एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है फिर से हम यहाँ पर देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें हमने क्या किया एक पॉलिस्ड स्मूथ सरफेस लिया इतना फाइन स्मूथ ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हम लेते हैं स्मूथ पॉलिश सरफेस ठीक है तो इसकी प्लेन की ये मिरर की प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई एक तो ये ओपेक होता है दूसरा पास नहीं होने देता ठीक है वो पॉलिश होता है उसको हम बोलते हैं ओपेक वेन अ पैर बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिस्ड सरफेस देन रिफ्लेक्ट बीम ऑल्सोर एंड डायरेक्टेड डायरेक्टेड इन अ फिक्स डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में जाएंगे जैसे यहां से ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई ये इंसिडेंट हुई ये रिफ्लेक्ट हो गई ये इंसिडेंट हुई ये रिफ्लेक्ट हो गई ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन है ठीक है यहां पर मान लीजिए कोई सोर्स ये है एक सोर्स तो यहां पर भी हमें वो सोर्स ही दिखाई देगा ये ही एक फिक्स डायरेक्शन में होती है एक स्मूथ प्लेन होता है इसको हम क्या कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं

ये वाली आई ये यहां पर चली गई देखिए ये सॉरी <coughs> ये वाली लाइट आई ये देखिए यहां पर जा रही है ये री। तो यहां पर देखिए एक सेट पैटर्न नहीं है उसी डायरेक्शन में सब सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसी डायरेक्शन में नहीं जा रही ये कैसी हो रही है डाइवर्स हो रही है स्प्रेड हो रही है ठीक है तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं इरेग्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं ठीक है ये हमने यहां पर ये फिगर बनाया हुआ है इसमें ये दिखाई दे रहा है ठीक है अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बात हमें समझ में आ गई रिफ्लेक्शन होता क्या है मिरर होता क्या है अब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब देखिए हमने क्या किया एक प्लेन मिरर ले लिया ये प्लेन मिरर है इसको हमने पॉलिश कर दिया यानी कि ये इस तरह से इसको हम बता सकते हैं ये पॉलिश है जब भी हमारा जो भी पॉलिश्ड एरिया होता है मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है ये हमने पॉलिश्ड एरिया लिया ठीक है तो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है जो भी पॉलिश्ड एरिया होता है उस एरिया से उस साइड से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है यानी कि उसके अपोजिट साइड से यहाँ से अगर हमें रिफ्लेक्शन का ड्रॉ करना है डायग्राम तो हम इसको ऐसे इंसिडेंट रे हमारी यहाँ से होगी यहाँ से कभी नहीं हो सकती ये इस तरह से ये याद रखना है ये गलत है ठीक है जो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी पॉलिश डेरिये से नहीं होती है वो हमेशा पॉलिश के अपोजिट यहां पर ये है तो इंसिडेंट रे जो आएगी वो इस तरह से ठीक है थीके? तो ये तो हमारा वेनर रे ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन एनी स्मूथ इंसिडेंट सरफेस इट इज सेंड बैक इन टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट कम देखिए अब ये यहां से इसको मैं एक बार यहां बना देती हूँ फिर से ये यहां से ये पॉलिश है हमारी सरफेस ठीक है ये पॉलिश है ये इंसिडेंट एंगल ये इंसिडेंट रे आई ठीक है ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बना देती हूँ ये नॉर्मल ठीक है तो ये ये रिफ्लेक्ट हुई और ये ये ऐसे आ गई ये इंसिडेंट एंगल है इसको हम क्या कहेंगे इंसिडेंट एंगल और ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये वाला कहलाएगा रिफ्लेक्शन एंगल ठीक है रिफ्लेक्टेड एंगल और ये जो होता है नॉर्मल के साथ ठीक है इंसिडेंट एंगल और ये नॉर्मल के ऊपर ये जो एंगल बनता है ये क्या लाता है इंसिडेंट एंगल और ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्ट होती है ये क्या बनाती है रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्टेड रे ठीक है तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें क्या हो रहा है ये जो एक पॉलिश सरफेस लिया यहां से हमारी एक इंसिडेंट रे आई ठीक है इंसिडेंट रे आई यहां पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको मैंने बोला आई क्या बोला इंसिडेंट को मैंने बोल दिया आई फिर ये यहाँ से गया ऐसे ये इंटरफेस यहाँ प्लेन सरफेस से टकराया ठीक है इस मीडियम से टकराता है और फिर ये वापस दोबारा इधर चला जाता है ठीक है और ये फिर नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है रिफ्लेक्शन इसको मैंने बोल दिया आर ठीक है रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन एंगल जो बन रहा है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम आर बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको हम क्या बोलते हैं आई ठीक है I. तो ये इस तरह से बनता है 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 ना ये के साथ बनाया जाता है। अब इसमें इसमें इसके कुछ रूल होते हैं तो इसमें क्या होता है? जो इंसिडेंट एंगल होगा वैसा ही सेम एंगल ये जो एंगल जितना एंगल बनाता है उसी एंगल से हमारी ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन इसका क्या मतलब है देखिए ये आ, इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूं <coughs> सॉरी देखिए यहां पर ये जो इंसिडेंट एंगल है ये इस तरह से यहां पर ये लाइट इस तरह से आई ये नॉर्मल है ठीक है अब रिफ्लेक्शन रे रिफ्लेक्टेड रे जो आएगी ये कहां जाएगी यानी कि ये हमारा आ, अच्छा चलिए इसको इस तरह से देखिए हाँ ये देखिए ये हमारा बीच वाला नॉर्मल है ये एक इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है ठीक है ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आ रही है ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे ठीक है अब ये यहां से मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट रे आई ऐसे है ना और ये नॉर्मल है ये वाला ठीक है अब ये नॉर्मल जो है इससे ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कैसे जाएगी वो ऐसे पीछे की तरफ इधर की तरफ वो कहाँ जाएगी या इधर की तरफ ऐसे तो ये है इसमें कि तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए कैसे होने चाहिए यानी कि ये एक सेम प्लेन है यहाँ पर ये नॉर्मल है तो ये जो ये जो नॉर्मल है ये देखिए इसको तो ये अगर रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट रे है तो ये ये वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा यानी कि तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए इसी प्लेन में ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ चली जाएगी ऐसा नहीं हो सकता तीनों कैसे होने चाहिए एक ही प्लेन में होने चाहिए यह नहीं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है ये ऐसे पीछे की तरफ यहां चली जाए या ऐसे पीछे की तरफ यहां चली जाए ठीक है ये तीनों कैसे होने चाहिए सेम प्लेन में होने चाहिए नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए तीनों एक ही प्लेन में इस तरह से ये ये ऐसे ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए रिफ्लेक्टेडेड ऐसे पीछे ऐसे 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 नहीं हो सकती तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए ये है रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के ठीक है तो ये हो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये लॉज होते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्शन एंगल है दोनों इक्वल होते हैं होने चाहिए द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन इन द सेम प्लेन तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए ये ऑपिक है तो देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल से ये 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 इंसिडेंट एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों बराबर होने चाहिए एक रूल ये हो गया ये दूसरा रूल ये है इंसिडेंट रे नॉर्मल ये ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आगे पीछे कहीं नहीं जा सकती सेम तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए ये कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब देखिए मिरर ना हमारे दो तरह के मिरर होते हैं हमको जो स्टडी करनी है वो टू टाइप के मिरर की स्टडी करनी है एक होता है हमारा प्लेन मिरर जिसको हम स्टडी कर चुके हैं ठीक है प्लेन मिरर हम पढ़ चुके हैं और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल मिरर अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है कि आ, आप लोग अपने घर में प्लेट्स देखते हो चाय पीते हैं कप प्लेट्स जो होते हैं उसके नीचे प्लेट लगी होती है वो इस तरह की होती है ठीक है तो अगर उसका हम एक साइड देखें इस तरह से या फिर आप देखिए बॉल हाँ एक और इसका एग्जाम्पल है बॉल जैसे अगर ये एक बॉल है हमारे पास इस तरह से ये बॉल है और ये बॉल को मैं इस तरह से यहाँ से बीच में से कट कर दूँ तो ये जो मिरर ये जो इसका पार्ट बनेगा इसको हम बोल देंगे ये वाला ठीक है ये इसका डायमीटर यहाँ से है ये तो ये जो बनेगा ये कहलाएगा ये स्फेरिकल मिरर ये जो इसका क्योंकि हम इसको ना ऐसे पूरा मिरर से पूरा बॉल से बॉल वाला जो पार्ट है उसको अंदर से ऐसे समझा नहीं सकते इसलिए हम क्या करते हैं इसको इस तरह से बीच में से यहाँ से कट कर देते हैं तो ये जो कट होकर ये जो पार्ट मिलता है ये कि स्फेयर जैसा बनता है ठीक है तो ये जो शेप कहलाती है ये कहलाती है कि स्फेरिकल मिरर की अब चूंकि ये मिरर है तो मिरर की क्या कंडीशन होती है अब ये जो मिरर है ये कैसा मैंने आपको जो बताया था प्लेन मिरर जो होता है वो एकदम ऐसे होता है बिल्कुल फाइन प्लेन होता है तो ये स्पेरिकल मिरर कैसे होता है तो ये स्पेरिकल मिरर भी जो होता है स्टूडेंट्स प्लेन मिरर से मिलकर ही बना होता है यानी कि बहुत छोटे छोटे मतलब एक एक पार्टिकल अगर हम कहें तो एक पार्टिकल प्लेन मिरर का हम ले लें तो उसको हम इस तरह से फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, से, से बनाएं तो ये क्या बन जाएगा मतलब अगर हम एक इतना सा पार्ट देखें इसका तो ये क्या होगा एक प्लेन मिरर जैसा होगा ठीक है अगर हम फिर इसका इतना सा पार्ट देखें तो ये एक प्लेन मिरर जैसा होगा तो ये जो प्लेन मिरर है उसी से कैसा बनता है ये स्फेरिकल मिरर बनता है ठीक है ये बात क्लियर हो गई कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है तो स्पेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर ये जो होलो स्फेयर यानी कि ये जो बॉल है बॉल को हमने कट किया ये होलो स्पेयर का एक पार्ट होता है ठीक है ये कर्व्ड होता है ये मिरर कैसा होता है कर्व्ड होता है अब मिरर है तो ये क्या होता है ओपेक होता है मिरर ओपेक का क्या मतलब है यानी कि मिरर को ये, अगर ये स्पेरिकल है अगर ये ऐसा है ठीक है अगर ये ऐसा है स्फेरिकल है तो मैंने इस पर एक ये लगा दिया पॉलिश कर दिया ठीक है इसकी जो सरफेस जो होती है वो कैसी होती है ऑप्टिकली जो होगी वो कैसा होगी ओपेक होगी ओपेक ओपेक का मतलब मैंने इसको पॉलिश कर दिया पीछे के इसको पॉलिश कर दिया जब ये पॉलिश हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एक मिरर बन जाएगा और ये स्फीयर की फॉर्म में हॉलोस्फेयर पार्ट है तो ये क्या कहलाएगा स्फेरिकल मिरर कहलाएगा टू टाइप अब हमारे पास दो तरह के मिरर्स होते हैं कितने तरह होते है? के होते हैं टू टाइप के मिरर होते हैं एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो हमें रेडियस और कर्वेचर का हमें समझ में आया कर्वेचर होता क्या है जितना ज्यादा मुड़ता है वो उसका उतना ज्यादा कर्वेचर होता है और जितना ज्यादा कर्वेचर होता है रेडियस उतनी कम होती है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो मानिए ये कर्व है ये कर्वे है ठीक है यहाँ कहीं बीच में इसका सेंटर होगा यहाँ पर बीच में ये कर्वेचर है इसका ये कर्व मुड़ा हुआ है यहां कहीं बीच में इसका सेंटर होगा तो ये क्या कहलाता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ये क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर का सेंटर क्या, क्या कहलाता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्व के जिस पॉइंट पे मिलता है यहाँ पर इसको मिलाते हैं इसको हम क्या कहते हैं पोल क्या कहते हैं इसको हम पोल कहते हैं अच्छा अब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कैसे होता है तो मानिए ये हमारा ये हमारा कॉन्केव मिरर है ठीक है तो इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ होगा यहाँ क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है कर्व के अंदर होता है भाई जो बॉल है बॉल के अंदर की साइड ही तो सेंटर होगा उसका तो उस कॉन्केव मिरर में ये सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और अगर बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स कौन, मिरर में क्या होगा हमारा हम्म कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो ये हमारा ओपेक है इसमें ठीक है, लेकिन इसका जो सेंटर होगा वो भी यही होगा ठीक है वो यहां होगा और इसका जो सेंटर होगा वो इसके अंदर क्योंकि इसमें क्या होगा इसमें जो होता है ये जो सेंटर बनेगा वो इधर ही बनेगा ठीक है तो सेंटर इसमें पीछे की तरफ होता है और इसमें इसके आगे की तरफ होता है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर में ठीक है तो ये 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 चीज समझ में आई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और पोल क्या होता है पोल क्या होगी यहां पर ये यह इसका पोल होगा ठीक है ये पोल होता है अब हमारी तीसरी चीज होती है एक्सिस तो हम बात करते हैं एक्सिस की तो देखिए अगर एक्सिस की बात करें तो यहां से अगर इस पर यहां ड्रॉ करें तो ये भी एक एक्सिस है ये देखे तो ये भी एक एक्सिस है ये देखे तो ये भी एक एक्सिस है लेकिन हम बात करते हैं यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस की तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है लाइट रे जो आती है वो हमारी इन्फिनिटी से आती हैं इन्फिनिटी से लाइट्स आती हैं और वो लाइट रे आती हैं यहाँ पर मिलती हैं तो पोल और सेंटर से इन्फिनिटी तक जो लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यहाँ से ये ऐसे ये जो लाइन जाती है इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है पोल और सेंटर से होके जो हमारी लाइट जाती है उसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ये पोल होगा इसके लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसके लिए ठीक है ये पोल होगा यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये यहां से यहां तक ये इन्फिनी तक जाएगी ठीक है पोल और सेंटर से होते हुए इन्फिनी तक जाती है ये प्लेन ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन इसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर तीन चीज़ों का नॉमन क्लेचर किया है इस होलो स्पेयर मिररर में स्फेयरिकल मिरर में पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है दूसरा पोल क्या होता है और तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं देखिए पोल ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल इट इज डिनोटेड बाय द लेटर पी सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर यहां देखिए ये सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर है ये इधर से इस स्पेयर के इस पार्ट पे जिस पे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं पोल और पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से ठीक है ये क्या कहलाता है ये पार्ट कहलाता है पोल ठीक है इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं ये कौन सा मिरर है अब आप बता सकते हैं ये कॉन्केव मिरर है अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कर्व के अंदर होता है तो ये यहां होगा ठीक है पीछे की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इसका पोल होगा और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी ठीक है द सेंटर ऑफ इमेजनरी स्पेयर ऑफ टू विच द मिरर बिलोंग इज इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है ये द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट बट इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने की तरफ होता है और कॉनकेव मिरर में पीछे की तरफ होता है जहां पर ये ओपेक होता है ये पॉलिश मिरर होता है उसके अंदर क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उस सेंटर बॉल के अंदर होगा स्फीयर के अंदर होगा ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ इमेजनरी स्वेयर और मिरर इज अ पार्ट देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा एक बार यहाँ देख लीजिए ये सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा ये सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस ये वाला ये क्या कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ठीक है ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर प्रिंसिपल एक्सिस हमने देख ली आ स्ट्रेट लाइन ऑफ पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सेंटर है इसको और ये हो गया आपका पोल और यहां से इन्फिन तक जो लाइन जाएगी ये इसको हम क्या कहते हैं दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है principal axis. ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस ओके अब नेक्स्ट है नेक्स्ट नॉमन क्लेचर क्या करना है प्रिंसिपल फोकस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है तो चलिए पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की तो कॉनकेव मिरर में हम बात करते हैं देखिए वैसे तो हमने ये बना रखा है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ फिर से देखिए कॉनकेव मिरर है सबसे पहले स्टूडेंट तो पहले हमारा ये ऑपिक होगा ठीक है अब रे रे कहाँ से आएगी यहाँ पर रे क्या होती है सन से लाइट आ रही है सन से जो लाइट आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है और जो वो हमारी आंख में आती हुई दिखाई देती है तो हम क्या कहते हैं वो पैरलर आ रही है ये रेस कैसी आ रही है पैरलर आ रही है तो मान लीजिए जो सन से जो लाइट्स आ रही है वो इस तरह से रही आ रही है ये पैरलर आ रही है ये पैरलर आ रही है ठीक है ये इस तरह से आती है तो यहां पर एक मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये पोल है ठीक है ये पोल है और ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस मान ली ये है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम इंसिडेंट रे ड्रॉ कैसे करेंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है तो इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है अब ये नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स नॉर्मल होता है सेंटर से यहाँ पर ये स्वेयर पे एक रेडियस डालते हैं ठीक है सेंटर से ये ये इसके इस पे ऊपर ठीक है तो ये जो रेडियस होता है ये कौन सा एंगल बनाता है इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है ठीक है ये इसके ऊपर डालते हैं ये ये कहलाता है एक नॉर्मल तो आपको हमेशा याद रखना है ये एक थम रूल है सेंटर से सरफेस पर एक जो रेडियस खींचा जाता है एक रेडियस होता है वो क्या कहलाता है उसका नॉर्मल कहलाता है वो टेंजेंट जो होता है वो कितने डिग्री का होता है हमेशा नाइन्टी डिग्री का होता है ठीक है तो ये जो इस पर डाला जाएगा सेंटर से सरफेस पर स्फेयर की सरफेस पे एक ये नॉर्मल कहलाता है ठीक है तो ये हमने एक नॉर्मल डाल दिया अब ये जो रे होती हैं ये जो रे होती हैं ये पैरेलल आ रही हैं इस तरह से तो जब ये यहां से जाती हैं ये यहाँ से यहां से एंटर होती हैं और ये रिफ्लेक्ट होके कहा जाती हैं एक पॉइंट पर जाती हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस फोकस कैसे बनता है फोकस के लिए हम देखिए पहले हमने ये ड्रॉ करते हैं हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा क्या है पोल है ये सेंटर है तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है हमारी इस तरह से सीधे जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक कर्व है और यहाँ से ये सीधे एक प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हम क्या मानते हैं सनरेज लाइट जो आ रही है बहुत दूर से आ रही है वो सब क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर हो जाती है हमें पैरलर आती हुई दिखाई देती है वो लाइट कहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी से आ रही है तो वो हमें कहाँ दिखाई देंगी इन्फिनिटी से आते हुए हमें दिखाई देती है यानी कि सब ऐसे पैरलर आती हुई नजर आती है ऐसे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ये पैरलर आती हुई हमें नजर आती है अब सबसे पहले हम इंसिडेंट एंगल कैसे निकालेंगे ये हमें याद करना है इसमें इंसिडेंट एंगल कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सेंटर से एक स्फीयर के एक पॉइंट पर एक रेडियस डालते हैं ये

पॉइंट पर एक रेडियस का एक रेडियस डालते हैं वो टेंजेंट के साथ कैसा बनाती है नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है वही क्या कहलाता है इसका नॉर्मल कहलाता है तो मान लीजिए ये रे ऐसे आई ये नॉर्मल के साथ ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट होके कैसे गई ये रिफ्लेक्ट होके, होके ऐसे चली गई ठीक है यही सेम एंगल जो एंगल वो इसके साथ बनाती है वही एंगल रिफ्लेक्ट होके एक इसके साथ बनाती है यही एंगल ठीक है ये इंसिडेंट एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्योंकि हमने लॉस पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के क्या लॉस क्या होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर यानी कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के दोनों एंगल बराबर होते हैं ठीक है इस तरीके से यहाँ पर ये रे इस तरह से आई तो हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ये मान लीजिए ये हमारा एक नॉर्मल है ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये सरफेस पे तो ये रिफ्लेक्ट होके ये नॉर्मल है ये इसके साथ आई एंगल बना रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल के इस साइड यहाँ पर ये इस पॉइंट को कट करती हुई और ये यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये इससे नॉर्मल के इस साइड ये क्या बनाएगा एंगल R बनाएगा इसी तरह से फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ से हम इस पर डालते हैं सेंटर से स्पेयर के अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है तो ये हम देखते हैं ये इधर कट करती है ठीक है इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं यहाँ से हम एक एंगल ये नॉर्मल डालते हैं ठीक है ये अगर एक रिफ्लेक्टेड एंगल है और इससे ये एंगल बनाएंगे तो ये इस पर कट करेगी यहाँ ठीक है ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा तो आप देख रहे हैं एक पॉइंट ऐसा आता है इन सबसे सब पे जाके वो मर्ज हो रही है यहाँ पर देखिए ये इतना प्रॉपर बन नहीं पाया है इसको देखिए यहाँ से देखिए हमने ये एक पैडलर रे आई और ये इंसिडेंट रे इस तरह से हुई और ये इस यहाँ पर आई ठीक है इसका हम कलर दूसरा ले लेते हैं हाँ, ब्लैक ले लेते हैं तो देखिए ये अगर ये इंसिडेंट रे है ये यहां पर आई ठीक है तो आप देखिए ये एक इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट के okay, इस पॉइंट पे आती है ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट के okay, इस पॉइंट पे आती है ये इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट के इस पॉइंट पे आती है तो ये सब एक पॉइंट पे मीट हो रही है और जिस पॉइंट पर ये मीट हो रही है इसको हम क्या कहते हैं फोकस इसको हम क्या कहते हैं फोकस कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं तो ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं ये कौन मिरर है तो ये कॉन्वैक्स मिरर हो जाएगा हमारा ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हो जाएगी ये ओपेक हो जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ठीक है ये सेंटर अब देखिए सेंटर यहाँ होगा ठीक है और ये पोल होगा अब इसमें सबसे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है नॉर्मल सेंटर से ये नॉर्मल अब हमारी रे क्या आएगी रे हमारी इंसिडेंट रे यहाँ से आती है ठीक है और यहां से आती है और ये ये हमारा नॉर्मल है ये ऐसे ठीक है तो हम क्या देखते हैं ये अगर इसके साथ आई एंगल बना रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे इंसिडेंट हुई नॉर्मल के साथ ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल यहां बनाती है आर ये इस तरह से जाती है ठीक है इसी तरह से यहां पर देखते हैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सेंटर से इस पॉइंट पर ये नॉर्मल हो गया इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये हमारी एक इंसिडेंट रे अगर ऐसे है ठीक है तो अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे है और ये रिफ्लेक्ट होगी इससे इससे नॉर्मल के इधर नॉर्मल के अपोजिट यहाँ ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाती है ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल आई और ये इंसिडेंट एंगल आर तो यहाँ पर जाती है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा था यहाँ पर ये पूरे एक फोकस पे मिल रहा था तो यहाँ पर फोकस कहाँ होगा ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होगा तो कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं तो ये जो रे है ये हमें ऐसा लगता है यहां से आती हुई हमें नजर आ रही है यहां से इट्स अपेयरिंग कि यहां से आती हुई हमें नजर आ रही है कि यहां से मिल आती है हमें ऐसा फील होता है हमें ऐसा लगता है कि ये रे कहां से आ रही है यहां से आ रही है यहां से मिलती हुई नजर आती है हमें ठीक है हमें ऐसा लगता है और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है फोकस कहलाता है तो इसका फोकस कहा होगा पीछे की तरफ इसका फोकस कहाँ होगा यहां अब इसमें देखिए रेस क्या हो रही है सब कन्वर्स हो रही है एक ही जगह फोकस पे इस पे क्या हो रही है रेस डाइवर्स हो रही है ये इधर ये इधर और दूसरी बनाएंगे तो वो इधर और आगे की तरफ इधर जाएंगी ठीक है तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है अब दूसरी चीज फोकस से पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला फोकस से पोल तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल एफ फोकल लेंथ ऐसे ही यहां से फोकस से पोल तक का बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला ये कहलाता है स्मॉल एफ और इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ इसको हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ और रेडियस क्या होगी सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है हमारी रेडियस कहलाती है ठीक है तो हमें समझ में आया क्या क्या समझ में आया पोल क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है प्रिंसिपल फोकस में इंसिडेंट एंगल कैसे निकालते हैं ठीक है ठीके? हम हमेशा उसके क्या करेंगे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं सेंटर से एक रेडियस डालेंगे यहां पर वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो क्या कहलाता है नॉर्मल कहलाता है ठीक है और नॉर्मल से हमारा कौन सा जितना एंगल आई होगा उतना एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आर होगा तो फोकस पे हमेशा जितनी भी रेज हमने देखी सब फोकस पे मिलती है तो ये कहलाता है जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं फोकस कहते हैं और फोकस से पोल का बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है हमारा फोकल लेंथ कहलाता है स्ट्रिंग से फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे बहुत काम आने आद, काम आने वाला है जब हम इमेजेस ड्रॉ करेंगे आगे ठीक है तो फोकस वेन बंडल ऑफ रे पैर टू द प्रिंसिपल में क्या होगा हमारा ये सेंटर है ये यहां से हमारी हमेशा यहां से आएंगी क्योंकि ऑप्पिक तो है तो प्लेन जो होगा ऑप्टिकल प्लेन सरफेस वहां से रेज आती है ये ऐसे तो हमें मिलती हुई कहां नजर आती है हमें लगता है ये यहां से अपेयर हुई है ठीक है ये ये देखिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है है ना ये ऐसे आती है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे आती है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है हमने कैसे निकाला ये नॉर्मल डाल के ठीक है फिर से मैं बताती हूँ नॉर्मल कैसे डालना है इसको एक बार और समझ लीजिए यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल है ठीक है ये सेंटर है हम क्या करेंगे सेंटर से इस पर एक नॉर्मल डालेंगे ये इसको आगे की तरफ तो बढ़ाएंगे पैडलर रेज हमारी जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है ये इसके साथ आई एंगल बना रही है तो ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे नॉर्मल से उधर सेम एंगल पर ये थोड़ा सा ही नहीं बना लेकिन ये सेम, सेम एंगल पे इसी तरह से इस पे एक नॉर्मल डालते हैं ये होगा यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस आई ये ये पैरलर रेज आई ठीक है ये नॉर्मल है ये नॉर्मल आई एंगल बना रहा है ये रिफ्लेक्ट होके कहा जाएंगी यहाँ ये इससे सेम एंगल बनाएगी यार तो ये इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रेज बनी है ठीक है नॉर्मल डालना आ गया नॉर्मल कैसे बनाते हैं ये हमें समझ में आ गया तो ये कॉनकेव मिरर के लिए है कॉन्वेक्स मिरर के लिए है और वो पहले वाला जो था वो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के लिए था <coughs> सॉरी अब फोक, फोकस से हमें ये क्या दिखाई देती है फोकस कैसे निकालेंगे कि हमें ऐसा लगता है ये पीछे से हमें मिलती हुई नजर आती है ठीक है ये फोकस क्या लाता है पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम स्मॉल है फोकल लेंथ कहते हैं ठीक है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं

तो ये यहाँ पर हमें रियल में मिलती है ठीक है यहीं पर ये पॉइंट क्या कहलाता है रियल पॉइंट कहलाता है लेकिन हम कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या देख रहे हैं ये हमें ऐसे अपेयरिंग होती नजर आती है कि ये यहाँ से शायद मिलती है ऐसा हमें नजर आता है ठीक है इसलिए ये वर्चुअल फोकस होता है और वो रियल फोकस कहलाता है वेन अ बंडल ऑफ रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ अरिकल मिरर दे कन्वर्स टू अ पॉइंट और अपेयर और डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड द फोकस और इसको हम क्या कहते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं फोकस कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये समझ में आया तो फोकल मिरर डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द मीडियम एज इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए ये जो फोकल लेंथ होती है ये यहां से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपका फोकस है ये आपका पोल है और यहां से यहां तक का जो ये है ये क्या कहलाता है फोकल लेंथ और ये जो कहलाती है पूरी रेडियस कहलाती है तो ये जो रेडियस कहलाती है तो रेडियस क्या होती है फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस हाफ होती है फोकल लेंथ पे क्या हो जाती है रेडियस ये पूरा अगर रेडियस है तो फोकल लेंथ पे कितनी हो जाएगी r/2 ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस का सॉरी <coughs> रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से आर बाई टू ठीक है तो रूल्स फॉर ऑप्टनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर अब कॉनकेव मिरर से के क्या रूल्स होते हैं इमेज ड्रॉ करने के तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इमेज क्या होता है ठीक है आपको इमेज के बारे में पता होना चाहिए तभी तो हम उसके रूल्स के बारे में समझ पाएंगे इमेज क्या होती है जो हमारी आईज परसेप्ट करती है कि जैसे हम एक प्लेन मिरर के हमारे मिरर होता है मिरर के सामने हम खड़े हुए हैं तो हम तो यहाँ खड़े हुए हैं और मिरर के सामने हम देखते तो हमारा फेस उसके अंदर हम उसमें अपने आप को देखते हैं तो वो क्या है वो हमारी इमेज है हम थोड़ी ना वहाँ खड़े हुए हैं ठीक है थीके? तो हम ये परसेप्ट कर रहे हैं हमारी आईज हमारा माइंड ये क्या देख रहा है कि ये क्या है एक इमेज है ठीक है जैसे कि जो इमेज जो होती है इमेज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो इमेज होती है स्टूडेंट वो क्या होती है हमारी आईज़ जो होती है वो नहीं देखने का काम हमारी आईज़ नहीं करती जैसे ये हमारी आईज़ है और ये हमारा ब्रेन है तो ब्रेन क्या करता है जो भी लाइट रे जैसे ये जो लाइट रे, रे हैं वो यहाँ से आती हैं पैरलर लाइट रे यहाँ से आती हैं और ये हमारी आईज में जाती है इस तरह से जाती है हमारी आइज में इस तरह से जाती है तो हमारी आइज के प्रति इमेज बनाने का काम करती है सॉरी हमारी आईज के माइंड क्या करता है माइंड क्या करता है माइंड जो देख माइंड क्या करता है देखता है माइंड देखने का काम करता है और आईज क्या करती है इमेज को बनाती है ठीक है तो बेसिकली जो काम होता है वो ब्रेन का होता है ब्रेन में हमारी जो रेज हैं वो ब्रेन में जाती हैं इमेज उन्हें देखता है और आईज क्या करती हैं बेसिकली इमेज को ड्रॉ करती हैं ठीक है थीके? इमेज को बनाने का काम क्या करती हैं हमारी आईज करती हैं तो इस तरह से ये जो एक इमेज जो हमें दिखाई देती है जैसे कि अगर हम मूवी में देखते हैं हमें मूवी में अक्षय कुमार दिखाई दे रहा है बड़े पर्दे पर ठीक है लेकिन वो अक्षय कुमार उस टाइम वहां पर नहीं है ये तो हम जानते हैं हम सिनेमा हॉल में मूवी हॉल में बैठे हैं थिएटर में बैठे हैं तो हम क्या देखते हैं मूवी चल रही है उसमें अक्षय कुमार है या शाहरुख खान है लेकिन हमारा माइंड सेट है हमारा माइंड क्या परसिप्ट किया हुआ है कि ये यहां पर नहीं क्योंकि उसकी हमें क्या दिख रही है उसकी हमें इमेज दिखाई दे रही है लेकिन वो एक्चुअली वहां नहीं है ठीक है तो ये कहलाती है इमेज कहलाती है ठीक है तो ये इमेज कहलाती है अब क्या क्या रूल्स होते हैं इस uh, image को form इमेज को फॉर्म करने के ठीक है इमेज को ऑप्टेन करने के क्या क्या रूल्स होते हैं तो फर्स्ट रूल क्या होता है फर्स्ट रूल होता है स्टूडेंट अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर सबसे पहले कॉनकेव मिरर क्या होता है कॉनकेव मिरर वो होता है जो ऊपर से बीच में से हमारा मोटा दिखाई देता है और एजिस से पतला दिखाई देता है वो हमारा कॉनकेव है और की जो पीछे वाला होता है वो एरिया उसको हम क्या करते हैं पॉलिश्ड कर देते हैं ठीक है तो ये हमने रूल्स पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है अब हम क्या कर रहे हैं ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया ये पॉलिश्ड कर दिया तो हमारी रे कहाँ से एंटर करेगी जो पॉलिश्ड है उसके ऑपोजिट साइड से जो पॉलिश्ड मिरर होता है वहां पर हमारी रे एंटर नहीं होती है वहां से तो यहाँ से हमारी रे एंटर हुई ठीक है अब सबसे पहले हमने सब कुछ पढ़ा फोकस क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और पोल क्या होता है तो देखिए हमने ये एक ये ड्रॉ किया उसमें हमारा ये पोल है ठीक है ये क्या है फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है ठीक है और ये हमारी यहाँ से इंफिनिटी तक जाती है पैडलर दूर तक इसको हम क्या बोलते हैं इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जो सेंटर से होते हुए पोल से होते हुए जाती है ओके okay, ठीक है तो हम क्या देखते हैं पैडलर से जो रे दूर से जो रे आती है यहाँ पर हमने एक मिरर रखा मिरर के पास से जाती है और जाके फिर कहाँ से रिटर्न होती है यहाँ पर क्या होता है हम एक नॉर्मल बना देते हैं देखिए ये यह हमने यहाँ पर ये ए... नॉर्मल बनाने का क्या तरीका है आप सबको आता होगा ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम यहाँ पर की एक यहाँ पर एक ऐसा रेडियस डालते हैं और इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल तो देखिए ये हमने यहाँ से पैरलर रे आती है ये इसके साथ एक एंगल बनाती है थीटा ये इससे ये एंगल थीटा बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है यानी कि रिटर्न होती है और किससे गुजरती है किससे होती जाती है फोकस से होके जाती है तो हमारा एक रूल बन गया कि प्रिंसिपल एक्सिस से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर एक रे आती है ठीक है रे ऑफ लाइट विच इज पैर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर पासिसक्शन मिरर के थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये से रिफ्लेक्ट होती है और नॉर्मल के अपोजिट साइड से नॉर्मल यहाँ है इसके इस साइड से ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलती है इस फोकस से पास होती है तो ये एक रूल नंबर वन हो गया ठीक है अब रूल नंबर टू क्या होता है रूल नंबर टू होता है कि जो हमारी लाइट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से पास होती है इस तरह से सेंटर से पास होती है ठीक है अब देखिए ये यहां से जाएगी ये लाइट सेंटर से जाती है अगर हम इस पर नॉर्मल डालें तो नॉर्मल भी कैसे जाएगा नॉर्मल क्या होता है सेंटर से इस मिरर पर एक हम एक रेडियस डालते हैं तो वो भी ऐसा ही जाएगा दोनों मिलके क्या एंगल बनाएंगे जीरो डिग्री का एंगल बनाएंगे ठीक है तो जब वो जीरो डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट भी कैसे होगी वापस लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी आई बात समझ में मेरा कहने का मतलब है कि देखिए यहां देखिए ये 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 आपका रूल नंबर सेकंड के लिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल है ठीक है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हाँ और ये हमारा फोकस है ठीक है ये हमारा फोकस है अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है जैसे कि या तो या ऐसे या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऐसे जाती है ठीक है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लीजिए ये ऐसे जा, जा रही है तो हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं नॉर्मल क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेयर पे एक यहाँ पर जो ये हमारा मिरर है इस पर हम एक रेडियस डालते हैं ये ठीक है और ये लाइन भी ऐसे ही जा रही है ठीक है ये लाइन ऐसे गई और नॉर्मल भी ऐसे ही हो गया तो दोनों मिलके कौन सा एंगल बनाना है दोनों मिलके एंगल बना रहे हैं जीरो डिग्री का तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी ये वापस ऐसे ही इसी इस पे चली जाएगी वापस क्योंकि नॉर्मल भी इसी पर ही है तो ये ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे आएगी और वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही चली जाएगी सेंटर से ही ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रूल नंबर टू क्या हो गया अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ उसी पाथ से ये यहां से आती है यहाँ इंसिडेंट होती है और इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी सेम पाथ से तो ये हमारा रूल नंबर सेकंड हो गया तो दो रूल हमें याद हो गए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर होगी इंसिडेंट रे उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलती है फोकस से पास होती है रूल नंबर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आती है ठीक है और वो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये हो गया रूल नंबर टू नेक्स्ट रूल क्या है नेक्स्ट रूल है पहला था कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से पैडलर आती है और फोकस से जाती है थर्ड रूल है फोकस से आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस से पैडलर हो जाएगी एक रे हमारी फोकस से गुजरती है इंसिडेंट रे फिर हमने यहां पर एक नॉर्मल बनाया ये हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये इस पर ये नॉर्मल हो गया ठीक है तो नॉर्मल जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर हमने डायरेक्ट बना रखा है बाकी आप नॉर्मल से बनाएंगे तो आपकी रे एकदम परफेक्ट बनेगी तो आपने नॉर्मल से ये यहां से आती है ये इंसिडेंट रे ये की इधर से ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर होके रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाती है तो हमारा रूल नंबर थर्ड क्या हो गया अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन के मेर बिकम पैरलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है फोकस से निकलती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर हो जाती है ये हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद ठीक है ये नॉर्मल जरूर आपको बनाकर देखना है ये ही रूल है बेसिक नॉर्मल डालिए नॉर्मल से रिफ्लेक्ट करिए ठीक है ठीके? और देखिए फोर्थ रूल ये आपने पढ़ा है जब हम मिरर्स के रूल क्या होते हैं दो रूल्स होते हैं एक तो प्लेन मिरर एक तो मिरर क्या होना चाहिए ऑप्टिक होना चाहिए ठीक है और ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए और तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए यानी कि सो तीनों सेम दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम एंगल बनाती है अगर आई रिफ्लेक्टेड रे है तो इक्वल्स टू आर है ना तो वही रूल है कि इंसिडेंट रे आएगी इंसिडेंट रे ऑफ पोल पोल पे यहां से जाएगी यहाँ पोल पे जाएगी यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल बनाती है थीटा इसी थीटा एंगल बनाते हुए ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये भी इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी थीटा। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन के मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये ऐसे जाएगी इसके साथ भी कौन सा एंगल अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बनाती है तो ये भी इसके साथ थीटा एंगल बनाएगी यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बेसिकली आपको ये तीन रूल याद रखने हैं फर्स्ट वन टू थ्री ठीक है first, one, two, इससे आपकी इमेजेस ड्रॉ हो जाएंगे तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक रूल्स कौन से होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर के सबसे पहले आपको याद रखते हैं कॉनकेव मिरर कॉन्वैक्स नहीं हम किसके इमेज फॉर्म कर रहे हैं किसके रूल्स पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के पढ़ रहे हैं ठीक है तो चलिए अब देखिए इमेज वही बात मैं इमेज बता रही थी इमेज क्या होता है परसेप्शन होता है हमारी आईज क्या करती है हमारी आईज जो हमारा ब्रेन होता है वो परसेप्ट करता है कि ये इमेज ये क्या है ये इमेज है जैसे कि मैं प्लेन मिरर मिरर के सामने खड़ी हुई हूँ और मैं अपनी इमेज अपना आ, अपने को देख रही हूँ तो मैं उसमें क्या देख रही हूँ अपनी इमेज देख रही हूँ बेसिकली मैं वहाँ नहीं हूँ मेरा क्या है वहाँ पर इमेज है इमेज उसको क्या बोलते हैं हम परसेप्शन बोलते हैं यानी कि हम अनुमान लगा रहे हैं गैस कर रहे हैं ठीक है तो वो क्या है वेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ लुकिंग मिरर वी सी आर फेस द पिक्चर ऑफ फेस इन द मिरर इज नोन एज इमेज ऑफ आर फेस उसको हम क्या बोलेंगे हमारी फेस की इमेज है हम नहीं है वहां पर हमारी मिरर में क्या है फेस की इमेज दिखाई दे रही है अब ये जो इमेजेस होती हैं बेसिकली स्टूडेंट्स दो टाइप की होती है एक होती है रियल इमेज एक होती है वर्चुअल इमेज तो स्टूडेंट्स क्या होता है फिर से हम वहीं पे आते हैं जो हमारी आईज है देखिए ये हमारी आई है ये हमारी आई है ठीक है और यहाँ पर यह हमारा ब्रेन है पूरा है ना ये ब्रेन है ये ब्रेन है और ये आई है हमारी है, है ना अब यहां से ये रेज आ रही है ठीक है ये रेज इस तरह से आई हमारी आईज में हमारी आईज ने क्या करा ये दोनों रेज ली ठीक है ये दोनों रेज दी यहाँ बेसिकली हमारी आईज क्या, क्या कर रही है इमेज को बनाने का काम कर रही है और देख कौन रहा है ब्रेन देखता है जो भी कुछ काम कर रहा है वो हमारा देखने की जो काम करता है वो ब्रेन करता है और इमेज बनाने का काम कौन करती है हमारी आइज करती हैं अब हमारी आईज़ को क्या लगता है ये जो दो इमेजेस आ रही हैं है ना यहाँ पर ये देखिए ये इमेज यहाँ आती है ये ब्रेन में पीछे जाती है आइज क्या करती है आईज़ का काम होता है ये इमेज को ना रिट्रेस करती है यहां से आई 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 आई, आई ये कहाँ से आ रही है तो वो ऐसे रिट्रेस करती है इमेज को ऐसे यहाँ से रिट्रेस किया यहाँ से रिट्रेस किया ऐसे दूर तक रिट्रेस करके कर देखा तो उसको बहुत सारी रेज आ रही हैं ऐसे आईज़ में है ना बहुत सारी रेज आती हैं लेकिन हमारी आइज़ आई, को क्या करता है रिट्रेस करने की आदत होती है वो क्या करती है इसको ऐसे रिट्रेस करके देखती है और रिट्रेस करके देखती है तो पीछे ऐसे एक हमें इमेज दिखती है यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पर यहाँ पर देखती है कि सब पॉइंट एक ही जगह पर मिल रहे हैं इसी को क्या कहते हैं हम यहाँ से हमारी आइज़ यहां से रेज आ रही है ये जो बेसिकली ये जो पॉइंट है है ना यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है जो रे आ रही है वो यहाँ से आ रही है एक पीछे इसको रिट्रेस करके देखती है और क्या बोलती है हमारी आइस क्या सोचती है हमारा ब्रेन क्या सोचता है कि जो इमेज है वो कहाँ है वो यहाँ पर है मतलब यहां से आ रही है ये सब पॉइंट एक पॉइंट पे मिल जाते हैं ये रेज ऐसे रिट्रेस करती है करती है करती है पीछे की तरफ और यहाँ पर ये सब एक पॉइंट मिलता है तो हमारी आइस को क्या लगता है ये इस पॉइंट से आ रहा है तो इस तरह से हमारी आइज में क्या होता है कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है जैसे हम अपनी आंखों को और ब्रेन को धोखा भी दे सकते हैं किस तरह से देखिए हमारे पास दो तरह की इमेज होती है एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है रियल इमेज में हमने एक कॉन्केव मिरर लिया जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर है ठीक है अब यहां पर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये आ, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है अब जो भी रे आएगी रे कहां से एंटर करेगी यहां से एंटर करेगी मान लीजिए यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर यह ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है यहां पर ठीक है तो अब यहां पर ये यह सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पर मान लीजिए ये फोकस है है ना ये फोकस है अब हमारी रेज यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैडलर यहां पर गई इससे टकराई और ये फोकस से होके आ गई ऐसे ठीक है इस तरह से तो हमारा जो इमेज बनेगी इमेज जो बनेगी हम यहाँ देखते हैं तो इमेज हमें कहाँ दिखाई देती है यहाँ पर हमने ए इसको नाम दिया बी ठीक है तो इमेज जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं यू और जो इमेज जो होती है उसको हम बोलते हैं वी यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है उसको हम क्या बोलते हैं यू बोलते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है तो हमने रूल नंबर वन लगाया कि एक ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे गया ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ गई और यहाँ से ये वापस यहाँ आई हमारी यहाँ पर आँख आँख यहाँ पर है हमें यहाँ पर ये दिख रहा है देखना है ठीक है दूसरा रूल क्या है दूसरा रूल ये है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और वापस इसी से वापस ऐसे रिटर्न हो जाती है तो हम देखते हैं दोनों रेस जो होती हैं वो यहां पर एक पॉइंट पे मिलती हैं दोनों रेस क्या हो रही है एक पॉइंट पे मिलती हैं तो हम क्या करते हैं अब हम यहां पर इमेज बनाते हैं तो हम देखते हैं यहां पर दोनों पॉइंट हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो हम एक इमेज ड्रॉ कर देते हैं ये ये इस तरह से ये ठीक है इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर अब देखिए ए जो होता है वो तो ये हो जाएगा ये और बी क्या है बी कहां पर है तो बी हमने देखा ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है बी कहां पर दिखाई दे रहा है हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हम फिर से क्या बोलते हैं बी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है तो हमने इसको बोल दिया बी डैश और इसको हमने बोल दिया ए डैश हमारी आंख यहाँ पर देखती है हम यहाँ पर तो हमें यहाँ पर दोनों पॉइंट को देखते हैं तो मिलते हैं कि इधर इधर तो हम क्या कहते हैं इमेज यहाँ बनी है इमेज यहां बनी है तो इस तरह की जो इमेज होती है उसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं रियल इमेज क्या कहते हैं रियल इमेज कहते हैं ठीक है ठीके? अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट यहां ना होकर यहां हो गया यहां होकर यहां पर ये यह ऑब्जेक्ट हो जाता है ठीक है तो हम क्या करते हैं तो हमें जो इमेज है वो हमें कहां दिखाई देगी है ना तो ऑब्जेक्ट के पीछे यहां पर हमें इमेज दिखती है अच्छा इसको हम इस तरह से ना समझ के इसको इस समझ सकते हैं ये समझ में आया है, ये रियल इमेज है ठीक है इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब हमें वर्चुअल इमेज की बात करनी है तो जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है ठीक है यहां पर हम क्या लगा देते हैं एक प्लेन प्लेन लेंस हमने यहां लगा दिया ये इसको मैं कलर दूसरा ले लेती हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये हमने प्लेन लेंस लगा दिया ठीक है ये ये वाला अब क्या हो रहा है यहां से ये रे आती हैं ये रे हमने यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा ठीक है ये ऑब्जेक्ट यहां है ठीक है तो ये रे जो होती है आ, इसको चलिए मैं दूसरे उसमें समझाने की कोशिश करती हूँ इसमें थोड़ा आ, दिखाई नहीं देगा तो ये हमें समझ में आ गया ये रियल इमेज के बारे में है अब हम वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा समझेंगे तो देखिए वर्चुअल इमेज के बारे में ये मैंने बना रखा है यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया वर्चुअल इमेज में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ये ऑब्जेक्ट यहाँ है ठीक है यहां पर मैंने एक लेंस लगा दिया है प्लेन लेंस ठीक है ये अब ऑब्जेक्ट यहां है रे यहां से गई यहां पर जाती है और ये यहां वापस आ जाती है यहां से जाती है लेंस ये लेंस है यहां पर ये मिरर देखिए इस पे मिरर ये भी लगाए हो, ये मिरर ये रहा यहां से जाती है इससे टकरा के ये वापस यहां आती थी है ठीक है अब मेरी आईज देखिए मेरी आईज यहां है मेरी आईज मेरी आईस को क्या धोखा होता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है यहाँ रखा है लेकिन मेरी आइस को क्या आदत है आईस को क्या आदत है वो रिट्रेस करती है उसने क्या किया इसको पीछे की तरफ रिट्रेस किया ऐसे, ऐसे ऐसे तो इसको क्या लगता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है यहाँ पर ये यह दोनों रेस कहाँ मिलती है यहां पर मिलती है और यहां पर क्या है यहां पर उस इमेज बेसिकली हमें रिफ्लेक्ट होकर कहां मिल रही है ऑब्जेक्ट कहां रखा है यहां रखा है लेकिन हमें दिखाई कहां देता है यहां पर इमेज कहां दिखाई दे रही है इसमें हमें इमेज दिखाई दे रही है यहां पर यानी कि हमारी आइस को क्या हो रहा है धोखा हो रहा है ऑब्जेक्ट हमारा कहां था ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा कहां था ऑब्जेक्ट था हमारा ऑब्जेक्ट था हमारा यहां ऑब्जेक्ट कहां था हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारा यहां था लेकिन हमें दिखाई कहां दे रहा है ये यहां से आती हुई नजर आ रही है तो बेसिकली अगर हम यहां पर लेंस लगाएंगे और देखेंगे तो हमें यहां पर इमेज नहीं दिखेगी ठीक है तो हमें क्या हो रहा है ये हमारी आईज को क्या हो गया धोखा हो गया ऑब्जेक्ट किधर है इधर इमेज कहां दिखाई दे रही है यहां पर तो इस तरह की इमेज जो पीछे की साइड हमें दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं ये रियल मिल नहीं रही है होनी कहां चाहिए था ऑब्जेक्ट यहां पर लेकिन दिखाई कहां दे रहा है यहां पर तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इमेज है इस तरह की इमेज होती है उसको हम क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं ठीक है तो हाँ, तो दो तरह की इमेजेस होती है एक होती है रियल इमेज एक होती है वर्चुअल इमेज तो रियल इमेज बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने देखा वो एक्चुअली मीट हो रही है एक्चुअली मीट हो रही है यहां पर देखिए ये यहां पर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लिया ये यहां से गया ये यहां यह, से गया और वापस रिटर्न हो गया ऐसे तो यहां पर देखिए ये एक एक्चुअली मीट हो रही है इस पॉइंट पे हमारी आईज यहां है तो हम ये देख रहे हैं दोनों पॉइंट दोनों रेज यहीं पर ही मिल रही हैं तो हमने क्या बोल दिया ये एक इमेज बन गया और इस इमेज को हमने क्या बोल दिया अगर ये ए बी है तो इमेज क्या हो जाएगी बी डैश ए ए क्यों नीचे हो गया क्योंकि ए बी क्या है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहेगा तो हमने देखा ये एक्चुअली मीट हो रही है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म एट द पॉइंट इज नोन एज इमेज देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म एट दैट पॉइंट यहां पर इमेज बन रही है ये क्या है ऑब्जेक्ट यू और इमेज को हम बोलते हैं वी से डिनोट करते हैं तो ये जो बन रही है हमारी इमेज बन रही है और इसको हमने बोला वी ठीक है ये आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम यू बोलते हैं इमेज जो बनती है उसको हम वी बोलते हैं सिंबल ठीक है अब वर्चुअल इमेज व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल इमेज तो हमने देखा था ये जो मिरर है है ना ये मिरर है ये रहा ठीक है तो ये लाइट रे यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां पर है ऑब्जेक्ट यहां पर है यहां से जाती है टकरा के रिफ्लेक्ट होके यहां ऐसे जाती है फिर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाती है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है और हमारी आईज कहां है यहां पर हम यहां से जब इसको देखते हैं तो हमें क्या दिखती है डाइवर्स होके ये ऐसे पीछे की तरफ इस पॉइंट को हम पीछे बढ़ाते हैं यहां पर ये यह पॉइंट पे पीछे की तरफ तो हमें इमेज कहाँ दिखाई देती है इमेज

यहां पर यह ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज का बनती है यहां बनती है तो ये जो इमेज कहलाती है ये क्या कहलाती है वर्चुअल इमेज कहलाती है ठीक है तो ये कहलाती है वर्चुअल इमेज आई थिंक आई आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि रियल इमेज क्या होती है जो हमें एक्चुअली मीट होती नजर आती है और वर्चुअल इमेज वो होती हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद फिर डाइवर्स होती हैं और फिर एक पॉइंट हम देखती हैं हमारी आईज यहां पर हमारे आईज और ब्रेन को धोखा है देखिए हम इसको धोखा दे सकते हैं अपनी आईज को और ब्रेन को क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो यहां रखा है और इमेज कहा एक्चुअली तो मीट नहीं होती हमारी आईज को ऐसा लगता है कि इमेज कहां से आ रही है यहां से आ रही है जबकि एक्चुअली कहां से है ऑब्जेक्ट कहां है यहां रखा है ठीक है तो ये हमारा ब्रेन इस चीज को सोचता है इस तरह से सोचता है ठीक है तो जो रियल इमेज है उसका जो एग्जाम्पल है हम सिनेमा हॉल में जो मूवी हॉल में इमेजेस देखते हैं वो रियल इमेज होती हैं इमेज ऑन रेटिना ऑफ द आई हमारी आग के पीछे जो इमेज बनती है वो सब हमारी रियल इमेज होती हैं लेकिन जो हम मिरर में इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर जब हम प्लेन मिरर यानी कि जो मिरर में हम अपने आप को देखते हैं आईना जिसे बोलते हैं ठीक है उसमें जो हमारी इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज क्या होती है हमारी आईज को क्या लगता है हम वहां पीछे हम

ठीक है ये आपने देखा यहाँ पर यहाँ पर मिलती हैं जब ये रेस जैसे ये यहाँ से आती है और फोकस से जाती है ठीक है ये यहाँ से आती है ऐसे और यहाँ से ये फोकस पे जाती है तो ये देखिए ये उल्टी हो जाएगी ये ऐसे खड़ा था ये उल्टा हो गया इसका एरो नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया ये बी डैश हो गया ये ए डैश हो गया ये ए था ये बी था तो ये इन्वर्टेड हो गई ये रेस ठीक है तो ये हमेशा इन्वर्टेड होती हैं इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन सिने सिनेमा स्क्रीन पर जो हमें इमेज दिखाई देती है वो रियल इमेज होती है ठीक है हमारी आंख में जो इमेजेस बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं वर्चुअल इमेज इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन इनको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते ठीक है फॉर्म वेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट दे अपेयर टू डाइवर्स फ्रॉम द मिरर ऑलवेज इरेक्ट ठीक है तो ये क्या होती हैं ये जो इमेजेस होती हैं ये आफ्टर

डिस्टेंस uh, कैलकुलेट करते हैं जैसे कोई लाइट uh, रे जो आती है वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी होती है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें उसमें साइन कन्वेक्शन पढ़ना पड़ता है साइन कन्वेक्शन यानी कि जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है तो वो हम देखते हैं ठीक है तो देखिए ये तो हमें दिख ही रहा है ये हमारा कॉनकेव मिरर है ठीक है तो कॉनकेव मिरर में अब जो भी हमारी लाइट आती है ऑब्जेक्ट से जो लाइट चलेगी वो कहाँ जाएगी वो हमेशा मिरर पर ही जाएगी ये आपको हमेशा याद रखना है यानी कि जो लाइट यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ से चलेगी और ये इस पे मिरर पर ही जाएगी इस तरह से तो हम क्या बोलेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है यू हमने बोल दिया यहाँ पर ये मान लीजिए सेंटर है ये हमारा आ, फोकस है ठीक है ये हमारी फोकल लेंथ है ये फोकस है और ये हमारा पोल है अब हमने ये बोला कि ये जो लाइट रे ऐसे जा रही है यानी कि लाइट रे हमेशा ऐसे इंसिडेंट होगी ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं लाइट हमेशा ऐसे ही जाएगी इस डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं पॉजिटिव इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं फिर से हम यहां पर देखते हैं फिर से हमने ये देखिए इसे पूरा हमने ड्रॉ किया हम एक पर्टिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया कॉनकेव ठीक है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है ये हमारा सेंटर हो गया यहाँ पर हमारी इमेज हो गई यू हमारा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं है ये हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है लाइटरे ऐसे एंटर करेगी ठीक है लाइटरे हमेशा कैसे एंटर करेगी इसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव ये हमारा पोल हो गया पोल से ये हमारी फोकल लेंथ हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी रेडियस हो गई अब हम कहते हैं फोल यहाँ पर फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है वो है फाइव सेंटीमीटर और रेडियस है हमारा टेन सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यू की जो वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है इमेज यू यू इमेज को किससे डिनोट करते हैं सॉरी ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं यू से वो हो गया टेन ठीक है तो हम यहां पर देखते हैं हमारी डायरेक्शन क्या है राइट हैंड साइड पर ऐसे जा रही है ऐसे ठीक है अगर ऐसे जाती है तो ये यहां पर जो भी डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव लेकिन हम यहां पर खड़े हैं पोल पर और पोल से हम फोकल फोकल लेंथ की डिस्टेंस देखते हैं तो वो कैसी होगी नेगेटिव क्यों क्योंकि पोल से फोकल लेंथ कैसी डायरेक्शन है ये वाली हमने डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी ली है ये वाली तो फोकल लेंथ की डायरेक्शन कितनी होगी माइनस फाइव सेंटीमीटर रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस भी कैसे जा रहा है ऐसे यानी कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी माइनस टेन सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट देखिए यू पोल से यू का डिस्टेंस ये भी ऐसे जा रहा है इसी डायरेक्शन में ये भी क्या हो जाएगा माइनस टेन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा टेन ही रहेगा लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा माइनस अब यहाँ पर जो इमेज इमेज मान लीजिए यहाँ कहीं बन रही है वो भी कैसे डायरेक्शन पोल से इधर जा रही है यानी कि यहाँ पर तो वी v, v क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक है अगर हमारी इमेज यहां बनती है इमेज हमारी यहां बनती है मिरर के पीछे तो ये वाली डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव तो ये कौन सी इमेज होती है ये तो रियल इमेज बनेगी और यहां पर जो इमेज बनेगी वो कौन सी होगी मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज होगी तो वर्चुअल इमेज की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव क्योंकि ये कैसे जा रही है इसी डायरेक्शन में तो v पॉजिटिव व्हेन इमेज वर्चुअल ठीक है ये तो बात हो गई हमारी कॉनकेव मिरर के लिए अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा लाइट कैसे एंटर करेगी लाइट एंटर करेगी ऐसे तो यहां पर यहां पर लाइट ऐसे एंटर कर रही है तो हमने ये वाली डायरेक्शन क्या ली पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन क्या ली पॉजिटिव ये हमारा हो गया पोल लाइट यहां से एंटर करेगी यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे कहीं होगा यू ठीक है तो यू क्या होगा यू क्या होगा पोल से यू नेगेटिव ये कहां जा रहा है हमने डायरेक्शन क्या ले ली इसमें उल्टी ले ली तो यहां से पोल से यू की डायरेक्शन कैसी है नेगेटिव ठीक है अब सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ कितना हो जाएगा प्लस टेन सेंटीमीटर ये प्लस कैसे हुआ क्योंकि हमने ये डायरेक्शन कैसी ली हुई है पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन कैसी ली हुई है नेगेटिव तो ये आपको याद रखना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए ठीक है साइन कन्वेंशन तो चलिए यहां पर हम पूरा एक देख लेते हैं हमने एक चार्ट बना रखा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिस्टेंस इसमें हमेशा यू कैसा होगा यू नेगेटिव ही होगा क्यों क्योंकि तो किस साइड होगा कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो यू हमेशा कहाँ होगा लाइट हमेशा यहां से एंटर करेगी ठीक है ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पर रखा हुआ होगा तो यू और यहां पर ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव और ये और ये वाली डायरेक्शन क्या है नेगेटिव तो u यहां पर रखा होगा इमेज अगर यहां बनती है तो ये क्या होगी पॉजिटिव v और यहां बनती है इमेज कहीं तो ये क्या होगी नेगेटिव v ये वाली इमेज क्या होगी रियल इमेज और ये वाली इमेज क्या होगी वर्चुअल इमेज ठीक है तो देखिए डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव ही होगा चाहे इमेज आपकी रियल बने चाहे वर्चुअल बने डिस्टेंस v नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए रियल इमेज के लिए v नेगेटिव और पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होगी ठीक है ये फोकल लेंथ है ये कैसी होगी नेगेटिव इस साइड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छा दो चीज और हमें देखनी है एक होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये हमारा मान लीजिए कौन के मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव हाइट और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव हाइट ठीक है हाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होता है उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों टाइप पॉजिटिव ही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखा होगा इमेज हमारी नीचे भी बन सकती है और ऊपर भी बन सकती है तो इमेज हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज बनेगी तो नीचे और वर्चुअल तो हमेशा ऊपर ही बनेगी तो वो पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर में भी ये पॉजिटिव होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर रियल इमेज इसके लिए नेगेटिव और नेगेटिव होगा यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में कॉन कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा रेडियस कैसा होता है पॉजिटिव होता है ठीक है क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स होता है ये कॉन्वेक्स है ठीक है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यही रेडियस यहीं पे हमारी फोकल लेंथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड लाइट ऐसे एंटर करती है और ये पोल तो फोकल लेंथ और डायरेक्शन हमने मानी है ये वाली पॉजिटिव है ठीक है और ये वाली नेगेटिव है तो फोकस फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पर इसकी नेगेटिव पॉजिटिव होगी पॉजिटिव होगी ठीक है और रेडियस भी पॉजिटिव होगा रेडियस भी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इसके लिए रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कॉन्वेक्स में दो पॉजिटिव ही होगा फिर से कॉनके मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स में हमारा कॉनके मिरर में यू हमेशा नेगेटिव ही रहता है और वी जो होता है वर्चुअल इमेज के अलावा सब में नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा ठीक है नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल इमेज एफ जो होता है वो नेगेटिव ही होता है और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है एच नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें पॉजिटिव होगी इसमें भी पॉजिटिव इसमें कॉन्केव में नेगेटिव होगी वर्चुअल इमेज के लिए और इसमें पॉजिटिव ही होती है रेडियस इसमें नेगेटिव होती है और इसमें कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है तो ये भी एक डिफरेंस हम बता सकते हैं ठीक है तो इमेजेस इस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर तो हमें रूल्स तो याद हैं हमारे चार रूल्स थे चारों हमें याद हैं तो फर्स्ट फर्स्ट क्या है अगर हमारा देखिए हमारा कौन के मिरर है कौन के मिरर है 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 देखिए पर ये है, ये दिख रहा है हमको ठीक तो इंसिडेंट रे जो होगी वो अपोजिट साइड से होगी फर्स्ट चीज दूसरा ये क्या होती है हमारी एक प्रिंसिपल एक्सेस होती है प्रिंसिपल एक्सेस पे एक होता है पोल एक होता है फोकस एक होता है सेंटर ऑफ करविचर ठीक है ये बेसिक चीजें आपको बेसिक इसका नॉमन आपको याद रखना है अब हम बोलते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी कि जो लाइट रेज हैं वो सन रेज हैं बहुत दूर से आ रही हैं इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहाँ से आ रही हैं तो वो आते आते ना हमको जब दिखाई देती तो हमें रेज जो दिखाई देती है वो पैरलर दिखाई देती है अगर वो एट इन्फिनी पर है ठीक है ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पर है बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ होगी तो कैसे ड्रॉ करेंगे बहुत दूर से इमेज आ रही है यहाँ कहीं से बहुत दूर से ऐसे इमेज आती है आते है, आते यहाँ पर पैडलर जाती है यहाँ पर हमारा मिरर लगा हुआ है तो क्या होता है हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पर एक नॉर्मल डालते हैं ये जो लाइट रे आई देखिए मैं इसको यहाँ बनाती हूँ फिर से ये लाइट रे यहाँ से पैडलर आती हैं इस तरह से ये पैडलर आ रही हैं ठीक है ये एक लाइट पैडलर आई ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हम इसके साथ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ये हमारा नॉर्मल है तो क्या होता है जो एंगल वो इससे बनाती है रिफ्लेक्ट होके वो इसी से इससे एंगल बनाएगी ठीक है वही एंगल ये इससे बनाएगी फिर ऐसे यहाँ से फिर एक ये पैडलर रे यहाँ पर आती है ठीक है ये यहाँ पर आई ये इसके साथ थीटा एंगल बना रही है ये फिर से हम इस पर एक नॉर्मल डालते हैं ये और ये ऐसे ऐसे, ऐसे आएगी तो एक्चुअली ये यहाँ पर जाके एक पॉइंट पे जाके ये मीट होती हैं ठीक है ये मैंने थोड़ा उसको बना दिया देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लियर है ये ड्रॉ मुझसे सही नहीं हुआ है देखिए मैं इस पर समझा रही हूँ आपको यहाँ से आती हैं ये नॉर्मल बनाया ये रहा। जिस एंगल से ये ये थीटा एंगल बनाती है रिफ्लेक्ट होके ये इससे भी थीटा एंगल बनाती है यहाँ पर जाती है फिर से ये पैडलर रे यहाँ पर आई यहाँ पर से फिर हमने एक नॉर्मल बनाया ये ठीक है ये नॉर्मल है ये रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल से ऐसे तो दोनों एक पॉइंट पर मिलती हैं और ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं यहाँ पर ये इमेज बनती है मतलब ये बहुत दूर से इमेज आ रही है तो ये जो इमेज जो हमारी बनती है यहाँ पर ये हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड होती है क्योंकि यहाँ पर कहीं दूर से आ रही है एक तो ये ऊपर से आ रही है तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी इमेज होगी मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत दूर से आ रहा है तो वो कैसा बनता है बहुत छोटी इमेज बनती है रियल बनती है और इन्वर्टेड उल्टी बनती है ठीक है ये हमें दिखाई दे रही है उल्टी इमेज बनती है ठीक है इसमें हमने एक रूल लगा दिया सेकेंड अगर हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर है सी पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ सेंटर पर है ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है तो हमने रूल नंबर वन लगाया हमारा कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरलर से जाएगी और फोकस से पास होगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर अगर रे होगी तो फोकस से पास हो जाएगी फिर दूसरा सेंटर वो फोकस से जाएगी फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी किससे जाएगी फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर हो जाएगी अब हम देखते हैं दोनों रे रिफ्लेक्ट होके एक ये रे रिफ्लेक्ट होकर आती है और एक ये रिफ्लेक्ट होके आती है दोनों एक पॉइंट पर मिलती है और यहाँ पर हमारी आँख है ठीक है तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देती है ये कैसी होती है इन्वर्टेड होती है और कैसी होती है इमेज रियल होती है और सेम साइज़ की होती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की वी होती है हमें दिख रही है तो इमेज अगर सी पर है सेंटर पर है तो पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ होगी सेंटर पे होगी और साइज कैसा होगा प्रॉपर्टी क्या होगी इस इमेज की सेम साइज़ होगा ऑब्जेक्ट के जितना ही सेम साइज होगा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी ठीक है अब नेक्स्ट अगर सी से सी के पीछे इमेज है सेंटर के पीछे इमेज यहां रखी है तो इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैडर होगी फोकस से जाएगी ये देखिए फोकस से होके जा रही है ये जा रही है ठीक है दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर से जाएगी और सेम फिर से सेंटर से वापस आएगी तो दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं यहां पर ठीक है यहाँ पर जब ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं तो यहाँ पर ये इमेज बनती है इमेज कैसी है ये बी डैश है और ये ए डैश यहाँ पर ये ऊपर है बी नीचे तो बी कहाँ होगा बी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा तो ये क्या हुआ ये नीचे वाला साइड क्या कहलाया है ए डैश और ऊपर बी ये हो गया बी डैश और ये क्या बन गई इमेज इमेज कहाँ बनी है? हमारी सेंटर और फोकस के बीच में तो देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी और सी पर सी पर है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी सी और एफ के बीच में फोकस के और सेंटर के बीच में बनेगी और प्रॉपर्टी क्या होगी ये इससे तो छोटी दिखाई दे रही है हमें ये देखिए इतनी बड़ी है ये छोटी है तो इस डिमिनिश डिमिनिश का मतलब होती है छोटी रियल रियल है मिलती हुई नजर आ रही है और इन्वर्टेड इससे छोटी है ठीक है इन्वर्टेड है ये सीधी है ये उल्टी है अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाता है ठीक है ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आता है सी और एफ के बीच में आता है तो क्या होगा फिर से वही रूल लगाएंगे यहां से से जाएगी फोकस वापस आएगी ठीक है ऑब्जेक्ट से रे जाती है प्रिंसिपल के प्रिंसिपलर जो फोकस से निकलती है और दूसरा जो फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरलर होती है तो हम इसको पीछे मिलाते हैं मिलाते हैं मिलाते हैं है, यहां पर इमेज दोनों पॉइंट हमारे मिलते हुए नजर आते हैं जो रिफ्लेक्ट होकर रेज आती है और ये दोनों पॉइंट यहां पर मिलते हैं तो ये जो दोनों पॉइंट मिलते हैं ये इमेज हमने बनाई तो इमेज कैसी बनती है इससे बड़ी बनती है उल्टी बनती है और रियल बनती है तो हमें समझ में आ गया कि इमेज अगर सी और एफ के बीच में होती है सेंटर और फोकस के बीच में होगी तो बे एंड सी इमेज कहां बनेगी सी के पीछे बनेगी दूसरा बड़ी बनेगी इससे बड़ी एनलार्ज एनलार्ज का मतलब बड़ी रियल और इन्वर्टेड होगी ठीक है ये क्लियर हो गया अब अगर हमारी इमेज फोकस पे है ये फोकस पे इमेज है तो ये इसके पैरेलल होके फोकस से जाएगी ठीक है और दूसरा सेंटर से जाके सेंटर से ही वापस आएगी ये देखिए सेंटर से ही जाती है सेंटर से ही वापस आ जाती है ठीक है एक पैरलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस की और फिर वापस फोकस से होकर निकल जाती है ठीक है तो जो हमारी इमेज बनती है जो हमारी इमेज बनती है देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है फोकस पे रखा है इमेज कहाँ बन रही है एट इन्फिनिटी मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो कहीं बहुत ये पैडलर जो रेज है वो कहीं पीछे बहुत दूर जाके कहीं मिलती हैं पैडलर होती होती एट हमें नहीं पता कहाँ मिलती हैं ये पैडलर रेज आगे चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है बहुत दूर तक पैडलर और कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे हाईली एलर्ट जो इमेज होती है वो बहुत बड़ी होती है रियल एंड इन्वर्टेड वो भी रियल होती है और इन्वर्टेड बनेगी कहाँ पीछे की तरफ नीचे उल्टी बनेगी वो इमेज भी और आखिर में मिलती है रियल और इन्वर्टेड होती है अच्छा अब ये वाला ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देखनी है ये कौन के मिल रखिए इसको अभी हम बाद में समझेंगे ये वाला इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट फो, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो क्या होगा प्रिंसिपल एक्स ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर होगी तो फोकस से जाएगी एक रूल ये हो गया दूसरा रूल क्या है दूसरा रूल क्या है सेंटर से जाएगा और सेंटर से वापस आएगी ठीक है अब हमारी आंख है यहां पर है ठीक है अब हमारी आपको क्या लगता है हम क्या करेंगे हमारी आईस का क्या काम है वो रिट्रेस करके देखती है कि इमेज कहाँ गई है ना ये ऐसे जाके ऐसे पीछे उसने ऐसे रिट्रेस किया उसको ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है जो रेज आ रही है वो यहाँ से आ रही है एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था यहाँ पर तो ये रियल और वर्चुअल इमेज का जो एक एग्जाम्पल है ये वर्चुअल इमेज बनती है इसमें क्या होती है जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है वो यहाँ पर रखा हुआ है लेकिन इमेज कहाँ बन रही है यहाँ पर बन रही है और हमारी आँख क्या करती है हमारी आँख को क्या लगता है इमेज यहाँ से आ रही है हमारी आँख ऐसे इसको पीछे मिलाती है दोनों को यहाँ पर इस पॉइंट से आ रही है तो इमेज जो बनती है वो यहाँ बनती है और वो कहाँ बन रही है इस मिरर के पीछे बन रही है तो ये जो इमेज कहलाती है इस इमेज को हम क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं फिर से मैं बता रही हूँ ये क्या कहलाती है इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती है क्योंकि ये लेंस के हमारी मिरर के पीछे की तरफ बनती है और ये जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है देखिए यहाँ पर इमेज का पोजिशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है फो, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है इमेज कहाँ बन रही है बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे बन रही है और ये कैसी है बहुत बड़ी है एन लार्ज है देखिए ये इतना तो छोटा तो ऑब्जेक्ट है ये इतनी बड़ी इमेज बन रही है और इरेक्ट है इरेक्ट यानी कि सीधी है अभी तक जो भी इमेजेस बन रही थी सब इन्वर्टेड ऐसे बन रही थी उल्टी यहाँ पर ये बी डैश और ये ए डैश लेकिन एनलार्ज में इन सीधी इरेक्ट का क्या मतलब है ये ए और ये बी अगर आपका ऑब्जेक्ट ए बी ऐसा है तो ये भी ए बी ऐसी बन रही है देखिए ये ए और ये बी ये इरेक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं ये इरेक्ट बन रही है तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखकर देखे और अपने रूल्स लगाकर देखी कि कहां पर हमारी इमेज किस तरह की बन रही है कहां रियल बन रही है कहाँ वर्चुअल बन रही है तो आपको समझ में आ गया कॉन्वेक कॉनकेव कॉन्केव में अगर हमारी इमेज uh, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है फो फोकस और पोल के बीच में फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट uh, रखा हुआ है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है बैक बनती है मिरर के पीछे बनती है और वो बड़ी बनती है एंड लार्ज बनती है वर्चुअल होती है क्योंकि वो पीछे की साइड बनती है वो रियल नहीं होती है तो ये समझ में आ गया होगा रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं फिर से मैंने समझा दिया आपको पे अब देखिए अगर हमारा इमेज अब हमारी अभी तक जो हमने पढ़ा वो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ाता है कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो कैसे होती है तो देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये अब देखिए यहाँ पर जो रे आएगी इंसिडेंट रे वो यहाँ से आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा यहाँ होगा फोकस भी कहाँ होगा यहाँ होगा ठीक है और हमारा पोल कहाँ है यहाँ है ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ से रे कहाँ से एंटर होगी यहाँ से एंटर होगी तो जो रे हमारी यहाँ से एंटर होगी तो हम सबसे पहले इस पर नॉर्मल डालते हैं देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी ऐसे आएगी अब देखिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है सेंटर कहाँ होता है अंदर ही होता है ये इसका सेंटर हो गया ये पोल हो गया ठीक है तो हमारा जो इमेज सेंटर से इस पर नॉर्मल डालते हैं ये हमने नॉर्मल डाल दिया ये ठीक है तो ये ऐसे जाएगी और इससे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरलर होके नॉर्मल से अवे जाएगी रिफ्लेक्ट होके ऐसे इसके साथ सेम एंगल बनाएगी ये ठीक है ये इस तरह से जाएगी और यहां पर हमने इसका नॉर्मल ये डाला तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी ठीक है इस तरह से यहाँ से भी देखिए यहां से इस पर हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर ये आती है तो हम इस पर यहाँ पर एक नॉर्मल डालते हैं तो ये रहा ठीक है ये नॉर्मल हमने इस पर डाला तो ये इंसिडेंट है ये तो ये रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगी फिर से अगर हम ऐसे डालते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी ठीक है तो हमारी आईस को क्या लगता है हमारी आइस को क्या लगता है ये जो रे है यहाँ से ये प्रिंसिपल से ये ऐसे पैडलर हुई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई ये ऐसे हुई ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई हमारी आईज यहां है ठीक है ये हमारी आंखें हैं आंख क्या करती है रिट्रेस करती है और हाँ, यहां पर एक पॉइंट देखती है पर पर जो ये मिलते हैं यहाँ पे मिलते हुए नजर आते हैं ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस ठीक है यहां से ये. ये तो ये जो इमेज जो बनती है इसकी कहाँ बन रही है इमेज इमेज कहाँ बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पीछे की तरफ ठीक है यहां से इंसिडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था यहाँ रखा था ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था यहां रखा हुआ था ऑब्जेक्ट ये रखा ठीक है ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे डाइवर्ज हो गई ये और इमेज कहाँ बन रही है यहां बन रही है ये दोनों यहां पर ये रे आपस में मिलती हुई यहां पर हमें नजर आई ये मान लीजिए ये नजर आ गई ठीक है तो ये जो इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है एक तो इरेक्ट बन रही है सीधी बन रही है एक इससे छोटी बन रही है इससे ये बड़ा था ऑब्जेक्ट इससे छोटी बन रही है दूसरा ये कैमरे जो मिरर है मिरर ये है तो मिरर के पीछे बन रही है और मिरर के पीछे बन रही है तो ये जो इमेज कहलाएगी ये क्या कहलाएगी ये जो इमेज कहलाएगी वो कहलाएगी वर्चुअल इमेज कैसी कहलाती है वर्चुअल इमेज कहलाती है तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो इमेज होती है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी और पोल यहाँ पर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज जो होगी वो हमारी कहाँ बनेगी बिहाइंड द मिरर यानी कि वर्चुअल होगी दूसरा छोटी होगी डिमिनिश्ड होगी वर्चुअल होगी और सीधी होगी इरेक्ट होगी अगर आप बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में ना रखें अगर इन्फिनिटी पे भी रख देंगे इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो भी यही होगा सेम ही केस उस पे होगा ठीक है तो दोनों ही केस के लिए सेम होती है तो कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारी इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं वो कैसी होती हैं वो छोटी होती हैं वो वर्चुअल होती हैं और वो इरेक्ट होती है यानी कि डिमिनिश्ड होती हैं इरेक्ट होती हैं और वर्चुअल होती हैं ठीक है थीके? तो ये था हमारा मिरर कैसे हमने इमेजेस ड्रॉ की यूज़ ऑफ़ कॉनकेव मिरर तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे यूज़ क्या होता है कॉनकेव मिरर का तो हम स्टूडेंट्स ये तो पता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कॉनकेव मिरर में जितनी भी हमारी रेज जो आती है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके वो एक ही पॉइंट पर मिलती है यानी कि वो सब कन्वर्स कर देता है जितनी भी रेज होता है और कॉन्वेक्स मिरर सबको रिफ्लेक्ट कर देता है डाइवर्स करता है ठीक है तो ये हमने अभी देखा था कॉन्वेक्स मिरर का जब हमने बनाया है तो वो सबको क्या कर रहा है रेज को डाइवर्ट कर रहा है तो कौन के मिरर आर यूज टू टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट पैर बीम ऑफ लाइट क्योंकि ये सब लाइट्स को क्या कर देता है एक साथ इकट्ठा कर देता है फोकस पे ठीक है ये क्या है सेविंग मिरर होता है लार्ज इमेज को फेस को देखने के लिए ये डेंटिस्ट ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको ताकि क्या होता है हमारे जो डेंटिस्ट जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जो इमेज जो होती है दांत की जो हमारी इमेज है तीत की वो बड़ी हो जाती है और वो इजिली ट्रीटमेंट कर पाता है ठीक है जैसे ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है तो वो क्या करता है एक मिरर लगाता है वो जो मिरर होता है ना वो मिरर होता है लार्ज टू टू सनलाइट प्रोड्यूस हीट इन सोलर और जो कॉन कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रेयर व्यू मिरर होते हैं ये इस तरह के क्योंकि जो इमेज इसमें हमें दिखाई देती है वो कैसी होती है रेयर व्यू मिरर आपने देखा होगा जो हमारी कार होती है उसमें एक मिरर लगा हुआ था इस तरह का और हमारे पीछे जितने भी व्हीकल्स व्हीकल आते हैं जितने व्हीकल्स आते हैं वो सब हमें सीधे दिखाई देते हैं और एक ही उसमें आ जाते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं रियर व्यू मिरर होते हैं इन व्हीकल मिरर गिव इरेक्ट सीधी और छोटी इमेज छोटी इमेज दिखाई देती है, है कॉन्वेक्स मिरर में हमने अभी देखा छोटी इमेज दिखाई देती है सीधी दिखाई देती है तो क्या होता है वो जितने भी व्हीकल होते हैं सब छोटे 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 होकर एक कांच में एक साथ पीछे तक का पूरा व्यू होता है इमेज कैसे है ऐसा नहीं होता कार कहीं उल्टी दिखाई देती है ऐसा नहीं होता जैसी है वैसी दिखाई देती है सीधी इमेज दिखाई देती है है ना इन्वर्टेड नहीं होती है मिरर इसमें इमेज कैसी होती है सीधी होती है ठीक है तो डिमिनिश इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दे ऑल्सो है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर्स ठीक है तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर का अब है समरी है कॉन्वेक्स मिरर में कि कहाँ पर क्या पोजीशन रखने पर कैसी इमेज बनती है तो हमने अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने इमेज रखी तो हमें ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां मिलती है हमारी बिहाइंड द मिरर वो भी पोल और फोकस के बीच में मिलती है बिहाइंड द मिरर ऑफ फोकस और छोटी होती है साइज में और वर्चुअल और इरेक्ट होती है अगर हम इंफिनिटी पे भी रख देंगे उसको तो भी हमें कहां पे दिखाई देगी यहीं पे दिखाई देगी और बहुत ज्यादा छोटी दिखाई देगी ये तो बहुत ये डिमिनिश तो है लेकिन इंफिनिटी पे रखेंगे तो और ज्यादा छोटी दिखाई देगी और वो भी कैसी होगी वर्चुअल और इरेक्ट तो यानी कि यह बात हमें समझ में आ गई कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है इरेक्ट होती है और डिमिनिश होती है ठीक है जबकि कॉनकेव मिरर में सभी इमेजेस रियल होती हैं बस एक ही पॉइंट को छोड़ के जब हमने वो लास्ट वाला पॉइंट देखा था कि फोकस और पोल के बीच में जब हम उसको ऑब्जेक्ट uh, को रखते हैं तो हमारी इमेज वर्चुअल बनती है बाकी सब जगह हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस स्मॉल वर्चुअल अपराइट इमेज दे आर वेल सुटेड फॉर सिक्योरिटी मिररर्स रियर व्यू मिररर्स ठीक है तो ये क्या होता है ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें इतनी छोटी इमेजेस एक साथ आ जाती हैं और सब सीधी आती हैं इन्वर्टेड नहीं आती सब सीधी आती हैं एंड लार्ज छोटी आती इरेक्ट आती हैं सीधी का मतलब इरेक्ट आती हैं तो वो क्या सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा होता glass, आ, यूज होता है रेयर व्यू मिरर्स के लिए यानी कि इस तरह की ग्लास लाइट्स के लिए ये हाँ व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ये मिरर यूज होता है सन के लिए यूज होता है ये क्या करता है यूज टू कॉन्वेक्स मिरर सन ग्लास ग्लास जो यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है एक्चुअली ये क्या करता है सनराइज को रिफ्लेक्ट कर देता है ऐसे दूर दूर करता है रिफ्लेक्ट ही तो करता है डाइवर्स कर देता है लाइट को उससे क्या होता है वो आंखों में हमारे ना वो लाइट सनलाइट डायरेक्ट आती नहीं है ठीक है वो ग्लास जो होता है हम दिन में लगाते हैं बोलते हैं तो द ग्लास दैट ग्लासड इन कॉन्वेक्स मिरर मिरर द कॉन्वेक्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द द रीचिंग और ये क्या करता है जो लाइट होती है वो आने से रोकता है हमारी आंख में से उनको रिफ्लेक्ट कर देता है ठीक है डाइवर्स करता है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रीट लाइट इज कॉन्वेक्स मिरर सिंस द कॉन्वेक्स मिरर हैज द प्रॉपर्टी डाइवर्स लाइट इट इज यूज टू द रिफ्लेक्टर ठीक है स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है ऊपर की साइड ऊपर की साइड क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है तो ये दूर दूर तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है स्ट्रीट लाइट में ठीक है सो दैट इट कुड स्प्रेड द लाइट टू लार्ज एरियाज तो ये लार्ज एरियाज में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अब मिरर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है अगर हमें किसी की फोकल लेंथ निकाली फॉर्मूला गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज अगर इमेज हमें गिवन है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है स्फेरिकल मिरर में तो इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन वी वन अपॉन वी यानी कि वन अपॉन इमेज की डिस्टेंस प्लस वन अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ ये फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट याद करना है एक होता है हमारा मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है हाइट निकालना ऑब्जेक्ट की हाइट ठीक है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितने हैं और इमेज की हाइट कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या होता है मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज जो होता है उस इमेज को हम आई से ड्रॉ कर डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को ओ से तो एच अपॉन एच आई अपॉन एच नॉट ओ भी बोल सकते हैं ओ नॉट भी बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन को एम से तो जो हमारी इमेज होती है तो वो कैसी होती है इन्वर्टेड होती है कॉन्वेक्स में जनरली हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वी और U क्या होता है पॉजिटिव तो बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू ठीक है तो ये है एक अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं तो ये तो अब आप बहुत अच्छे से अपने आप ही डिफरेंस बता सकते हैं स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर और जिनका इनर साइड क्या होता है रिफ्लेक्टिंग होता है और इसमें जिसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं इसका फोकस और सेंटर कर्वेचर लाइन इन फ्रंट ऑफ द मोट मिरर इन इन फ्रंट ऑफ द मिरर ठीक है इट्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड ऑफ द मिरर ये पता है हमें ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा इसके अंदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ठीक है इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा ये मिरर है तो ये इसके बिहाइंड द मिरर ये मिरर का बिहाइंड वाला पार्ट है यहां आएगा यहां पर फोकस आएगा ठीक है इट इज ऑल्सो कोल्ड अ कन्वर्जिंग इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर कैन बी बोथ वर्चुअल और रियल डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें दोनों तरह की इमेजेस होती हैं वर्चुअल और रियल लेकिन इसमें सिर्फ वर्चुअल इमेजेस होती हैं ठीक है ठीके? ये हमने अभी पढ़ा द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्केव मिररर कैन भी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन वन द मैग्निफिकेशन ये भी सेम ही होता है दीज आर यूज इन हेडलाइट ऑफ कार ये कार की हेडलाइट में यूज किए जाते हैं और दीज आर यूज टू रेयर व्यू मिरर इन कार ये मिरर रेयर व्यू मिररर के लिए यूज किए जाते हैं और ये कार की हेडलाइट के लिए यूज किए जाते हैं कॉनकेव मिररर तो ये बेसिक डिफरेंस है आपको तीन चार डिफरेंस याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो तीन चार चार डिफरेंस तो मैक्सिमम आपको याद होने ही चाहिए मिनिमम याद होने ही चाहिए ठीक है तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये डिफरेंस आपको आने चाहिए रिफ्रैक्शन अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है देखिए लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है यानी कि लाइट जो है फ्री स्पेस से जो लाइट रेज जो आ रही हैं लाइट रेज जो आ रही हैं वो फ्री स्पेस से ट्रैवल कर रही हैं कहीं से और वो किसी मीडियम से टकराती है सपोज इट ये एक मीडियम है अगर हम इसमें बनाकर देखें एक डायग्राम में आपको बनाकर समझाती हूँ मान लीजिए ये एक मीडियम है और जो लाइट रेज आ रही है वो इस तरह से यहां पर आ रही है ठीक है इसको मैंने बोल दिया मीडियम वन और ये है मीडियम टू ठीक है ये इस तरह से लाइट रे इसमें जाती है तो वो जो लाइट रे है जो इस तरह से यहां पर जा रही है यहां से आती है और ये एक सरफेस है यहाँ पर एक मीडियम आ गया ये एक मीडियम आ गया यहाँ इंटरफेस और इससे ये टकराती है तो क्या होता है इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है यानी कि ये एक वेलोसिटी है v1 और ये वेलोसिटी है v2 हमने बोला एक जो लाइट है फ्री स्पेस से आ रही है यानी कि एयर में है एयर में है फ्री स्पेस से आ रही है उसकी वेलोसिटी वी वन है वो किसी मीडियम से जाकर इंटरफेस पर टकराती है किसी मीडियम से टकराती है और फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है वी टू हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है तो स्टूडेंट्स इसका हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं हमारी जनरल लाइफ में जैसे हम एक फ्री स्पेस में मूव कर रहे हैं तो जो हमारा फोर्स लगेगा वेलोसिटी जो होगी अगर हमें फोर्स लगाया जाए तो हमारा ज्यादा फोर्स लग जाए मतलब कम फोर्स में हम ज्यादा दूर तक चलेंगे अगर हमसे कहा जाए कि वाटर के अंदर यानी कि स्विमिंग पूल के अंदर हमें दौड़ना है एक फ्री स्पेस के अंदर दौड़ना है तो क्या होगा हमारा वेट ना भारी भारी लगने लगेगा हम छोटे छोटे कदम लेंगे जैसे हम खुले स्पेस में जल्दी जल्दी चल रहे थे वैसे क्या होगा अगर हम स्विमिंग पूल में या वाटर में अगर हम चलेंगे तो क्या होगा हमारा आ, आ, हम हमें बहुत भारी भारी फील होगा हम छोटे छोटे कदम चलेंगे ठीक है तो इसी तरह से जो लाइट भी होती है लाइट रेज जब आती है वो फ्री स्पेस यानी कि ये स्पेस इसको मान लीजिए ये एक एयर है ठीक है ये एयर है और ये है वॉटर है ना अब ये फ्री स्पेस एयर से एयर से कहा जा रही है वॉटर के अंदर जा रही है तो यहां पर जैसे ही वाटर के अंदर जाती है तो इसमें क्या होता है इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है पहले ये जल्दी जल्दी चल रही थी ये लाइट रे ठीक है इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी लेकिन जैसे ही ये इधर से इस सरफेस से टकराई और इस मीडियम के दूसरे मीडियम के अंदर गई यानी कि वाटर के अंदर गई तो इसकी जो लाइट की स्पीड होती है वो यहां पर कम हो जाती है यानी कि वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है और वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है रिफ्रेक्शन कहलाता है तो ये समझ में आ गया वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है रिफ्रेक्शन कहलाता है ये ही रिफ्रेक्शन की डेफिनेशन होती है अब अब जब हमारी जो लाइट रे है अगर ये इस तरह से जा रही है अगर यहां पर ये मीडियम क्या है हल्का है ये एयर है ये हल्की है और वाटर क्या है थोड़ा डेंसर है ठीक है तो जब ये इसके अंदर जाती है तो ये हैवी के अंदर जाती है तो ये क्या होती है अगर अगर ये डेंस मीडियम के अंदर जाती है तो ये क्या होती है टूवर्ड्स टू नॉर्मल हो जाती है यानी कि यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल डाल देते हैं यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल डालते हैं और ये लाइट रे इस तरह से यहाँ पर आती है तो क्या होता है अगर ये डेंसर मीडियम है तो ये लाइट रे यहाँ पर जाती है टकरा कर ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है ठीक है और अगर ये रेरर मीडियम है मान लीजिए यहाँ पर वाटर है यहाँ पर एयर है या फिर हम बोलते वाटर है और ग्लास है ठीक है तो क्या होगा ये ये टूवर्ड्स टू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अवे टू नॉर्मल यानी कि ये ऐसे दूर चली जाएगी ठीक है तो रेरर और डेंसर दो मीडियम होते हैं डेंसर का मतलब है वो कम हो जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी यानी कि वो उसकी चलने च, उसकी जो लाइट रे जो हमारी आ रही है वो वो छोटे छोटे स्टेप लेगी डेंस डेंस हो हो जाएगी हो तो वो हो जाएगी होगी तो टू नॉर्मल और अगर रेयर होगी तो वो क्या होगा वो दूर चली जाएगी ठीक है रेयर का मतलब है खुला स्पेस अगर उसको मिलेगा तो वो दूर जाने की कोशिश करेगी ठीक है जल्दी जल्दी चल पाएगी ठीक है तो दो तरह की दो तरह की चीजें होती हैं एक होता है रेयर मीडियम एक होता है डेंसर मीडियम लेकिन जो लाइट है वो हमारी डेंसिटी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती वो किस पे डिपेंड करती है वेलोसिटी पे यानी कि वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं रिफ्रेक्शन कहते हैं ठीक है ठीके? अब वेन लाइट गोस फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल टू द इंटरफेस सेपरेटिंग दीज टू मीडियम अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझने से पहले इसको यहां देखते हैं ये तो एक मैंने नॉर्मल आपको रिफ्रेक्शन क्या होता है वेलोसिटीज का चेंज होना वो क्या कहलाता है रिफ्रेक्शन कहलाता है अगर हमारी वेलोसिटी वी वन की ज्यादा है वी टू से तो क्या क्या कैसा तो दो तरह की चीजें होती है अच्छा इसको मैं अभी बाद में समझाती हूँ पहले यहाँ समझिए ये देखिए अब हमारी एक लाइट रे अभी तो हमारी इस तरह से आ रही थी अब ये इस तरह से नॉर्मल पे ऐसे सीधी ना आकर हमारी लाइट रे कैसे आ रही है यहां से आ रही है इंसिडेंट रे यहां आ रही है यहां पर हमने एक नॉर्मल लगाया हुआ है ये एक नॉर्मल है ठीक है तो ये हम क्या देखते हैं यहां पर ये क्या है ये तो है एयर और ये क्या है ग्लास ये कौन सा है ग्लास ये देखिए ये एयर ये यहाँ पर ये नॉर्मल अच्छा यहाँ पर देखिए ये हमने नॉर्मल डाल दिया ये एयर एयर है ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ग्लास है ठीक है ये समझ में आ रहा है ये देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ से ये नॉर्मल डाला ये वाला ऊपर वाला जो ये वाला स्पेस इस है इसको हमने एयर है और ये वाला जो है वो वाला हमारा ग्लास तो देखिए ये क्या हो रहा है ये लाइट रे ऐसे जाती है इस मीडियम ये वाला जो मीडियम है इससे टकराती है एक मीडियम ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है ठीक है अब ये देखिए यहां से जाके हां तो ये एयर से जाएगी और ये क्या करेगी टूवर्ड्स टू नॉर्मल जाएगी क्योंकि ये कैसा मीडियम है एयर तो खुला खुला मीडियम होता है ये कैसा मीडियम है डेंसर मीडियम है कैसा मीडियम है डेंसर मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम है तो देखो इसने क्या कि नॉर्मल के पास ऐसे गई इसको जाना कैसे था इसको जाना था ऐसे ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इसको जाना ऐसे था लेकिन जैसे ही इस सर्फेस से टकराई इसका मीडियम चेंज हो गया ये एयर से ग्लास में आ गई तो ये कैसा हो गया डेंसर मीडियम हो गया और डेंसर हुआ तो ये थोड़ा सा ऐसे बैंड हो गई ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई ये वाला ये इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्ट होकर यहां आ जाती है ठीक है ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाती है तो इस तरह का जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है रिफ्रेक्शन कहलाता है तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल टू द इंटरफेस सेपरेटिंग दीज टू मीडियम देखिए यहां पर ये फिगर ए को देखिए यहां पर हमने दो मीडियम ले रखे हैं एक मीडियम वन एक मीडियम टू एक एयर है दूसरा ग्लास है ठीक है जैसे ही ग्लास एयर से ग्लास uh, के अंदर रे जा रही है तो क्या हुआ टूवर्ड नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो जाती है इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम फिगर बी दिसमिनल बैंडिंग लाइट नोन एज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट अब यहां पर देखिए यहां पर ये इंसिडेंट रे है ये ग्लास है ग्लास से एयर के अंदर जा रही है अब ग्लास कैसे मीडियम है ग्लास हमारा है डेंसर मीडियम ग्लास कैसा मीडियम है डेंसर मीडियम है तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगी नॉर्मल से दूर चली जाएगी डेंस मीडियम में क्या करेगा धीरे धीरे कदम भरेंगे और रे, और जैसे ही फ्री स्पेस में जाएगी एयर में जाएगी तो क्या होगी जल्दी जल्दी कदम भरने लगेगा ठीक है जैसे मैंने बताया हम हम फ्री स्पेस में है अभी खुले स्पेस में तो हम जल्दी जल्दी दौड़ सकते हैं जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे तो हमारे स्टेप क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे हम धीरे धीरे कदम भर पाएंगे ठीक है तो वैसे ही जो लाइट रे है वो इंसिडेंट रे यहां से आई ग्लास से अंदर ये नॉर्मल है ये वाली लाइन ये क्या है नॉर्मल है अब यहां से ये क्या होती है इसको जाना ऐसे था लेकिन ये अवे टू नॉर्मल ये ऐसे इस साइड चली गई ठीक है ये अवे टू नॉर्मल हो गई हाँ तो ये क्या होता है ओरिजिनल डायरेक्शन कैसी थी इसकी इस तरह से थी यहां पर जाना था लेकिन ये गई कहां यहां तो इस तरह का जो इस तरह का जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या कहते हैं रिफ्रेक्शन कहते हैं अब हम जो रिफ्रेक्शन हमें ये बात समझ में आई कि रिफ्रेक्शन होता क्या है अब हम कोई भी रिफ्रेक्शन है कोई भी चीज है फिजिक्स में हम कोई भी, भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं किसी भी फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं तो उसको मेजर करते हैं तो सिमिलरली यहां भी रिफ्रेक्शन को रिफ्रेक्शन को कैसे मेजर किया जाता है उसकी कंडीशन को हम पढ़ते हैं तो <coughs> रिफ्रेक्शन को मेजर करने के लिए हमें एक फिनोमिना याद रखना होता है क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं क्या होता है वो फिनोमिना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है अब ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन जनरली देखिए इसको मैं यहां आपको समझाती हूँ देखिये अब जो हमारी लाइट रे है वो एक मीडियम ये है हमारा मीडियम वन इसको मैं एम वन लिख रही हूं ये एम टू है ठीक है अब क्या हो रहा है हमारी जो लाइट रे है वो यहाँ से आ रही है ठीक है इस पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया ये हमारा एक नॉर्मल है ठीक है ये नॉर्मल हो गया अब ये क्या हो रहा है इस पर ये यहाँ से जाती है लेकिन ये मान लीजिए एयर है हाँ और ये क्या है ग्लास है ठीक है तो एयर से ग्लास के अंदर जब जाएगी तो ये टू टू नॉर्मल हो जाएगी ऐसे ये इसको जाना कैसे था ऐसे जाना था इसको लेकिन ये क्या होता है नॉर्मल के पास चले जाते हैं यानी कि इंसिडेंट रे हमारी ये होती है और रिफ्रेक्टेड रे हमारी ये होती है ठीक है तो हमारा क्या हो रहा है इसमें वेलोसिटी यहां पर वी वन वी वे, वन वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी वी टू यानी कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है और वेलोसिटी चेंज कौन कर रहा है वेलोसिटी चेंज कौन कर रहा है इसको आप बहुत थम रूल है एकदम इसको आप याद कर लीजिए कि वेलोसिटी वेलोसिटी जो चेंज 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 करता है 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 कौन कौन कर कर रहा रहा हो रही है? v2 कौन change कर रहा है v2 किसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है v1 की ठीक है तो v1 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू v2 ठीक है तो ये कहलाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं रिफ्रेक्टिव फ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज इन वेलोसिटी v1 वन डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी v2 ठीक है अब इसको हम कैसे लिखेंगे v2 क्या कर रहा है वेलोसिटी को चेंज कर रहा है किसकी v1 की तो हम इसको लिखेंगे इसको या तो हम लिख सकते हैं म्यू और कौन चेंज कर रहा है टू किसकी वेलोसिटी को वन की इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको हम लिख देंगे म्यू टू वन या इसको हम लिख देंगे म्यू टू वन काफी सारे राइटर इसको इस तरह से लिखते हैं म्यू वन टू यानी कि वन की रेट टू के अंदर जा रही है इस तरह से तो ये भी सही है और ये भी सही है दोनों ही सही है लेकिन ये ज्यादा आपको बुक्स में देखने को मिलेगा म्यू टू वन यानी कि टू की वेलोसिटी टू वेलोसिटी चेंज कर रहा है वन की तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स ये क्या कहलाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्शन को मेजर कैसे किया जाता है उसकी वेलोसिटी से कौन किसको

Two velocity कम कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है velocity का change होना ही क्या क्या लाता है Refraction क्या लाता है है को measure कैसे करते हैं से refractive index क्या होता है? जो हमारी वेलोसिटी है जिसको कौन चेंज कर रहा है मीडियम कौन सा मीडियम चेंज कर रहा है उसको वो क्या कहलाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है टू चेंज कर रहा है वी, की वेलोसिटी को तो इसलिए हमने लिखा म्यू टू वन चेंज इनिटी वी, वी टू ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई ये क्या लाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब नेक्स्ट है कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं जो हमने पढ़ा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम उसी को समझते हैं अ मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट इज ट्रांसमिटेड देखिए एक ट्रांसमिटेड एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उससे लाइट हमारी ट्रांसमिट हो रही है एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज प्रॉपर्टी नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी तो जो भी मटेरियल है वो उसके अंदर जा रहा है उसकी क्या होती है एक मटेरियल की अपनी कंडीशन होती है एक प्रॉपर्टी होती है और वो ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ऑप्टिकल और वो डेंसिटी अगर हम उसकी निकालते हैं तो उसको हम बोल देंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकली रेरन मीडियम द ऑप्टिकली रेर मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल फास्ट तो रेरर मीडियम क्या होता है जैसे हमने देखा उसमें क्या देखा हमने ये लाइट है हमारी इस तरह से आ रही है ये टूवर्ड नॉर्मल यहाँ पर ये एयर है ठीक है और ये ग्लास है ठीक है तो ये नॉर्मल है हमारा तो ये क्या होता है इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये कैसे चली गई नॉर्मल के टूवर्ड यहाँ इस तरह से चली गई ठीक है तो ये इस तरह से यहाँ पर मूव हो गई तो ये यहाँ पर आ जाएगी ये ठीक है तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम क्या कहते हैं रेरर मीडियम ठीक है इसमें जल्दी जल्दी लाइट फास्ट चलती है ऑप्टिकली डेंसरी मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल स्लो और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर लाइट धीरे धीरे चलती है तो वो क्या होती है डेंसर मीडियम में क्या होती है रेरर uh, मीडियम में क्या होती है इसको अवे हो जाती है टू अवे यानी कि नॉर्मल आपका यहाँ पर है देखिए ये आपका नॉर्मल है ये आपका नॉर्मल है लाइट को लाइट को जाना है जैसे लाइट को ऐसे ट्रेवल करना है ठीक है लेकिन ये ऐसे हो जाएगी ये वाला ये ये एंगल बनाएगी एंगल आर रिफ्रेक्शन एंगल ये होगा ठीक है ये नॉर्मल है ये वाला है ना तो ये अवे चली जाएगी तो ये कहलाएगा रेरर ठीक है लेकिन अगर डेंसर है तो क्या होगा लाइट को ऐसे जाना है तो ये क्या होगा लाइट को जाना ऐसे था लेकिन ये ऐसे चली जाती है टूवर्ड्स टू नॉर्मल यहां नॉर्मल के पास आ जाती है यानी कि वो धीरे धीरे चलती है स्लो चलती है द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज वेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम रिफ्लेक्शन क्यों होता है क्योंकि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसका क्या होता है उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है

अब यहां पर हमने ये नॉर्मल डाल दिया ये डॉट डॉट जो वाली लाइन डाल रही है ये नॉर्मल है अब आप ही सोचिए जब ये रे एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो ये ग्लास कैसा मीडियम है डेंसर मीडियम ठीक है सबसे पहले आप इसको यहां लिख दीजिए डेंसर मीडियम और ये कैसा मीडियम है रेरर मीडियम ठीक है स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही है ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जैसे ही रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या होगी धीरे धीरे चलेगी और धीरे धीरे चलेगी तो क्या होगी अपनी अपनी जो अपनी जो एंगल से वो रिफ्रेक्ट हो रही थी उससे अलग हो जाएगी और टूवर्ड्स टू नॉर्मल हो जाएगी उसको जाना कैसे था उसको जाना था ऐसे ठीक है इसको ऐसे जाना था लेकिन ये नॉर्मल के पास ऐसे मुड़ जाती है ऐसे बेंड कर जाती है तो Uh, हमने देखा मटेरियल मीडियम वन एज हमने ये देखा लेट द लाइट गोज फ्रॉम मीडियम वन टू द मीडियम टू वन से मीडियम में टू में जा रही है देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इसको हम किस तरह से लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सकते हैं है. है. तो हमारा क्या हो रहा है ये यहां पर हमने नॉर्मल डाला तो ये जो लाइट है वो यहां से आ रही है और यहां पर ये ग्लास पे चेंज हो रही है यहां ये एयर से ग्लास में जा रही है इसको जाना ऐसे था ये ऐसे हो गई ठीक है तो यहां पर हमने देखा ये मीडियम टू जो है ये मीडियम टू और ये मीडियम वन मीडियम वन क्या कर रहा है मीडियम टू को अपोज कर रहा है यानी कि इसकी डेंसिटी को कम कर रहा है इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है इसकी वेलोसिटी को कम करने का काम कौन कर रहा है मीडियम टू कर रहा है इसलिए हमने यहां क्या लिखा एन टू वन टू वन का मतलब क्या है टू इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है किसकी वेलोसिटी को वन की वेलोसिटी को तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू वी टू तो ये क्या कहलाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और अगर हम इसको और तरह से लिखे तो रिफ्लेक्टिव रिलेटिव रिफ्लेक्टिव टू ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन आई यानी कि ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल इसको हमने बोल दिया साइन आई और इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टिव एंगल साइन आर ठीक है तो हमने बोला एन टू वन यानी कि वी वन i अपन साइन आर ये क्या कहलाएगा हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा ठीक है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा वी जैसे एयर से एयर से ग्लास में जा रहा है या एयर से वाटर में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे हमेशा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वी वन का ज्यादा होगा वी वन इज ग्रेटर देन वी टू यानी कि वो हमेशा किसके बराबर होगा वन हमेशा वन होगा वो ठीक है हमेशा कितना होता है वन के बराबर होता है ठीक है तो यहां पर यह बात समझ में आई हमें क्या बात समझ में आई कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है जो वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस तरह से मेजर करते हैं और रिफ्रेक्शन क्या होता है वेलोसिटी का चेंज होना वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना वो क्या कहलाता है उसका रिफ्रैक्शन कहलाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम द और इज नोन एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अभी इसमें यही लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम लाइट की स्पीड को जो जब चेंज होती है इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंज वेन इट एंटर द मीडियम फ्रॉम एयर और रिफ्कटिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं मेजर करते हैं कितनी लाइट की स्पीड चेंज हुई जब वो एयर से दूसरे मीडियम में जाती है ठीक है एप्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एप्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी वही होगा क्या कि हम एक फ्री स्पेस में हमारी लाइट है और वो दूसरी जगह मतलब किसी एक सरफेस आया उसके अंदर एंटर कर रही है तो फ्री स्पेस में लाइट की क्या वेलोसिटी होगी और मतलब वैक्यूम में फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द डिफाइंड रेशीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एक मीडियम के अंदर जैसे कि यहां पर ये एयर है ठीक है और या वैक्यूम इसको बोल सकते हैं वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस ही होता है और ये मीडियम कोई मीडियम है वाटर या ग्लास कुछ भी हो सकता है हमने कुछ भी लिया तो यहां से यहां पर जाने में उसकी स्पीड में जो चेंज होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसको हम लिखेंगे सी एयर डिवाइडेड बाय वही हमने लिखा वी वन अपॉन वी टू और वी टू क्या है वाटर के अंदर जा रही है या किसी मीडियम के अंदर जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उसको हमने लिख दिया वी तो ये हो गया एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी और सी क्या होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसकी वैल्यू होती है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड अब जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना ये होता है यूनिट लेस यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर इट हैज नो no यूनिट इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ये टोटली नंबर्स होते हैं ठीक है ठीके? तो लेंस क्या होता है स्टूडेंट देखिए लेंस क्या होता है लेंस एक ऐसा देखिए एक चीज होती है एक इस तरह की चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं स्लैब ठीक है एक ये होता है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म और एक होता है इस तरह से इसको हम बोलते हैं लेंस तो लेंस वो होता है जिसमें एक सरफेस एक पार्ट उसका कैसा होना चाहिए कर्व होना चाहिए एटलीस्ट वन पार्ट उसका कैसा होना चाहिए कर्व एक साइड प्लेन हो सकती है लेकिन एक साइड उसका कर्व होना ही होना चाहिए और उसको हम क्या बोलते हैं लेंस बोलते हैं जैसे देखिए ये स्लैब है तो हम जैसे इसमें ये क्या है ये इस तरह से दोनों पैरलर है दोनों प्लेन है दोनों साइड इसकी कैसी है प्लेन है इसमें क्या है दोनों साइड प्लेन तो है लेकिन एक दूसरे के पैरलर नहीं है और इसमें ना ही तो प्लेन है ना ही पैरलर है इस ये क्या कहलाएगा लेंस कहलाएगा लेंस कैसा होता है जैसे चाय का चाय की कप प्लेट जो होती है उसकी जो प्लेट होती है ठीक है उसको अगर एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे इसको हम ऐसे रख दे तो ये क्या बन जाएगा एक लेंस बन जाएगा तो अब ये जो लेंस होते हैं इनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं तो लेंस अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय वन सरफेस यानी कि उसकी एक सरफेस होनी चाहिए यानी कि अगर आपका कोई लेंस इस तरह से है तो अगर मान लीजिए ऐसा है तो उसकी एक सरफेस स्पेरिकल होनी चाहिए तो ही ये लेंस कहलाएगा अगर ये ऐसे है तो भी इसकी एक स्पेरिकल सरफेस एक प्ले एक सरफेस स्पेरिकल होनी चाहिए दोनों तो होंगी तो होगा ही लेंस ठीक है तो अब एक सरफेस उसकी क्या होनी चाहिए स्पेरिकल होनी चाहिए एक प्लेन हो सकती है तो भी वो लेंस कहलाता है टाइप ऑफ लेंस अब ये जो टाइप ऑफ लेंस है एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो इस तरह का होता है दोनों टाइप की कपलेट जो होती है उनको हम इस तरह से बाउंड कर दें ऐसे तो ये बीच में से मोटा और साइड से पतला अगर हमें दिखाई देता है तो इस तरह का जो लेंस होता है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और कॉन्केव लेंस क्या होता है जैसे चाय की कप प्लेट जो होती है उसको हम उल्टा लगा दें ऐसे 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 ना लगा के हम ऐसे लगा दें तो ये जो शेप बनेगी ये इस तरह की यानी कि साइड से मोटा बीच में से पतला इस तरह का जो लेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं कॉनकेव लेंस कहते हैं ठीक है ठीके? अब देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी कि दोनों साइड कर्व्ड हैं प्लेनो कॉन्वेक्स यानी कि एक साइड प्लेन एक साइड कर्व इसके टाइप हैं अलग अलग कॉनकेव वो कॉन्वेक्स यानी कि ऐसे पतला है बीच में से ऐसा ठीक है इसी तरह से डबल कॉनकेव में डबल में दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं ठीक है थीके? प्लेनों में एक प्लेन है इस तरह से और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में ये इस तरह से मुड़ा हुआ है ठीक है तो ये क्या होता है टाइप ऑफ लेंस है अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जैसे इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम तो इसकी दोनों जो सरफेस हैं वो इस तरह से होते हैं दोनों बीच में से मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं और ये बीच में से पतला होता है कॉन्केव लेंस और साइड से सॉरी बीच में से पतला और साइड से मोटा होता है ठीक है तो ये होता है एक कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है होता है जिसकी एटलीस्ट वन साइड स्पेरिकल होनी ही चाहिए कर्व होनी ही चाहिए अगर एक भी कर्व नहीं है तो वो लेंस नहीं है जैसे ये इसकी एक भी साइड कर नहीं है तो ये लेंस नहीं है इसकी भी एक साइड भी कर नहीं है तो भी ये लेंस नहीं है तो ये क्या है फ्रिज में ये क्या है स्लैब है और यह क्या है लेंस है इसकी दोनों साइड करव है एटलीस्ट वन साइड कर तो होना ही चाहिए ठीक है तो नेक्स्ट है इसमें टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज अब देखिए जो हमारा लेंस होता है ये होता है एक साइड इसमें इसका एक अगर सेंटर आएगा तो वो कहाँ आएगा इसके अंदर आएगा और अगर इसका एक सेंटर आएगा तो वो कहाँ आएगा इसके अंदर आएगा ठीक है इसका कहाँ आएगा इसके अंदर आएगा ठीक है तो इसमें क्या होता है दो सेंटर्स होते हैं एक इसके लिए एक इस पार्ट के लिए अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर होगा यहां और इसकी सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर होगा कहीं यहां ठीक है तो ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर क्या कहता है ओ इज अ पॉइंट फॉर गिवन लेंस थ्रू विच एनी रे पास पासिस अनडेविटेड ऑप्टिकल सेंटर देखिए ये क्या होता है ये दो लेंसेज है यहां पर यहां से जो भी रे पास होगी वो अनडेविटेड होगी इसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल ओ से हमने डिनोट किया हुआ है अब प्रिंसिपल एक्सिस सेम जैसा हमारा रिफ्लेक्शन रे, के लिए था ना प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही इसमें भी है देखिए इसमें सबसे पहले तो दो सेंटर्स होंगे दो सेंटर का समझ में आ गया क्यों होंगे दो सेंटर एक इस लेंस के लिए और दूसरा इस लेंस के लिए दोनों अब होगा यहां पर है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है सी वन सी टू इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंस ये ये जो होती है सीवन सी टू एक लाइन ऐसे पास होती है यहां से इससे इंफिनिटी तक ऑप्टिकल सेंटर और C1 C2 से लाइन ऐसे पास होती है ये क्या कहलाती है द क्या, क्या मतलब होता है मुड़ना लेंस का मुड़ना जो जितना ज्यादा मुड़ता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा होता है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस, ये होगा सीवन और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहां कहीं होगा सी टू ठीक है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ऑप्टिकल सेंटर uh, से एक लाइन पास होती है ऐसे इसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ये यदि हमारी प्रिंसिपल एक्सेस ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वन सी टू से पास हो रही है इस लाइन को क्या बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं ठीक है इसी तरह से ये तो कॉन्वेक्स लेंस में है ये कॉन्केव लेंस में इसके भी दो सर्फ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी होंगे एक इसका सेंटर और एक इस, इस लेंस का सी वन इसका सी इसका टू इन दोनों से ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होके जो लाइन जाती है इसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ठीक है थीके? ये बात समझ में आ गई हम टर्म्स बता रहे हैं हम इसका नॉमन क्लेचर कर रहे हैं लेंस का अब प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई ऑप्टिकल सेंटर हमें समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस Principal focus क्या होता है एक पॉइंट ऐसा होता है मान लीजिए यहाँ पर ये लेंस है हमारा है ना और यहाँ से पैरलर रेज आ रही हैं, बहुत सारी रेज सन से सन से ये लाइट आ रही है हमारे आंखों तक आते आते ये कैसी लगती है हमें पेरलर रेज आ रही हैं, ये यहाँ से जाके ये सब लाइट एक पॉइंट पर जाके मिलती है ठीक है इस पॉइंट पर जाकर मिलती है यानी कि इसको हम कहते हैं फोकस यानी कि यहां से लाइट आ रही है सन की और मैंने यहां पर एक कागज रखा ठीक है मैं यहां पर एक कागज रखती हूँ सन की पूरी रेज इस पॉइंट पर जाकर मिलती है और ये कागज जलने लग जाता है ठीक है कागज वो इतनी तेज सनलाइट होती है कागज क्या होता है जलने लगता है वो पॉइंट कौन सा होता है उसको हम बोलते हैं फोकस क्या बोलते हैं उसको फोकस बोलते हैं तो ये जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है फोकस प्रिंसिपल फोकस ठीक है इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस वेयर ऑल द रे ऑफ लाइट कमिंग पैडलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर दिंसिपलर्स एक्चुअली लेंस में ये कन्वर्स होती हैं और कॉन्केव लेंस में ये फैल जाती हैं डाइवर्स हो जाती हैं यानी कि यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसी पर यहां पर ये पॉइंट मिलेगा हमको इस इसको बोलेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस पे ठीक है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फोकस ठीक है Focus, तो ये क्लियर हो गया हमको फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या होती है वही वैसे ही फोकल लेंथ भी निकलेगी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कहां था हमारा यहां कहीं है ना यहां कहीं यहां पर मान लीजिए यहां पर फोकस है प्रिंसिपल फोकस ये ऑप्टिकल सेंटर है इसके जो बीच का होगा इस, इसको हम बोल देंगे फोकल लेंथ इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से प्रिंसिपल फोकस को और फोकल लेंथ ये कहलाएगी फोकल लेंथ ठीक है ऐसे इसका यहां पर सी सेंटर यहां होगा ठीक है ये ओ होगा ओ ये ओ है ठीक है ये सी वन यहां पर कहीं एफ और यहां पर हो जाएगा इसका इस तरह से तो ये कहलाती है फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है और कॉन्वै कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होती है इसको हम आगे स्टडी करेंगे फोकल प्लेन क्या कहलाता है प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम क्या कहते हैं फोकल प्लेन कहते हैं अब बात आती है अपर्चर की अपर्चर का क्या मतलब होता है ओपनिंग क्या होता है ओपनिंग जैसे कि ये जो लेंस है इसका अपर्चर इतना है यानी कि इसमें लाइट जो पास होगी वो इतने इतने इसमें से पास होगी अब इसका अगर ये ऐसे बनाएंगे तो इसका अपर्चर कितना है इतना है अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो इसका अपर्चर कितना है इतना तो लाइट इतने एरिया में से पास होगी लाइट इतने एरिया में से पास होगी ओपनिंग कहलाती है अपर्चर द इफेक्टिव डायमी ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग पोर्शन ऑफ लेंस ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर ऑफ लेंस यानी कि ओपनिंग जो मेजर में आपको याद रखना है अपर्चर का मतलब होता है लाइट की ओपनिंग यानी कि ओपनिंग जिसमें से लाइट एंटर करती है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं अपर्चर कहते हैं अब हमें रिफ्लेक्शन जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लिए इमेज ड्रॉ करी थी उसके हमने रूल्स बनाए थे फोर वैसे यहाँ पर थ्री रूल्स है ठीक है तीन रूल्स हमें यहाँ भी याद रखने हैं तो रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज मेनली जो हमें जो लेंस यहाँ पर बनाना है वो बनाना है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस के लिए तो बस एक ही चीज़ ड्रा होगी मेनली यहाँ पर क्या बनाना है हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाना है तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस अब देखिए जैसे ये हमारा लेंस है यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस है हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए मेनली इसमें पढ़ रहे हैं जो भी रे कॉन्वेक्स लेंस में जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर होगी और फोकस से जाएगी पहला रूल क्या है रे लाइट पैरलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन पास थ्रू कॉन्वेक्स लेंस और अस टू कम फ्रॉम कॉन्केव कॉन्स प्रिंसिपल फोकस ठीक है वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर आएगी और फोकस से वापिस जाएगी ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर कौन सी है ये इंसिडेंट रे ये आएगी और फोकस से जाएगी पहला रूल हो गया दूसरा रूल क्या होता है दूसरा रूल होता है अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आती है ठीक है तो प्रिंसिपल रे ऑफ लाइट इनिशियली ट्रेवलिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस और अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस से ये डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के इस प्रिंसिपल फोकस से आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल्स पैरलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरलर हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पहला क्या पढ़ा था हमने होगी प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी दूसरा क्या पढ़ा फोकस से आएगी अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस और फिर पैरलर हो जाएगी और तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट इस तरह से सेंटर से जाती है तो वो वहीं की वहीं वो डेविएट नहीं होती ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो डेविएट नहीं होती हमने पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो पॉइंट होता है जहां से कोई लाइट डेविएट नहीं होती तो वो यहां से जाएगी और ऐसे ही सीधे के सीधे ऐसे निकल जाएगी ठीक है तो तीन रूल हो गए पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर होगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी दूसरा फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर हो जाएगी तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो वो अनडावेड हो जाती है सीधे ही निकल जाती है सीधे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है ठीक है तो ये तीन रूल है इन तीनों रूल से हम क्या करेंगे हमारी इमेज ड्रॉ करेंगे ठीक है अब ये इमेज क्या होता है मैं फिर से बताती हूँ इमेज क्या होता है एक परसेप्शन होता है ठीक है जैसे कि हमारे पास सनलाइट्स आ रही हैं ठीक है तो सन लाइट हमारे पास आ रही है ये एक पॉइंट है फोकस पास सन की लाइट आई और ये पेपर जलने लग गया तो यहां पर वो जो हुआ वो क्या था सन थोड़ी ना था सन की इमेज थी क्या थी सन की इमेज थी अब ये जो इमेज होती है बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है एनलार्ज हो सकती है डिमिनिश हो सकती है ठीक है इन्वर्ट हो सकती है इरेक्ट uh, हो सकती है वो किसी भी तरह से इमेजेस हो सकती है इमेज क्या है एक परसेप्शन है जैसे मिरर के सामने अगर मैं खड़ी हुई हूं या ठीक है तो वो मेरी इमेज है मैं खुद नहीं हूं तो वो क्या कहलाता है इमेज कहलाता है अब इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम अब हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले तो देखिए ये हमारे जितने भी हैं सब कॉन्वेक्स लेंस हैं अब हमने देखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां रखना है ऑब्जेक्ट का मतलब है जहां से जो लाइट रे आ रही है जैसे कि सन से आ रही है तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा इन्फिनिटी यानी कि सन की लाइट बहुत दूर है उसको बोला हमने पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा है इन्फिनिटी पे सन कहा है सन कहा सन क्या चीज है इस टाइम सन है ऑब्जेक्ट अब सन क्या है ऑब्जेक्ट है तो वहां से लाइट रे आ रही है ठीक है एट इन्फिनिटी पर है तो ये जो रेज है अब इसमें हमें रेज बहुत सारी आ रही है रेज बहुत सारी आ रही हैं लेकिन हमें कुछ रूल्स इसमें अपने अप्लाई करने हैं हमारे पास तीन रूल हैं मिनिमम आप इसमें दो रूल अप्लाई कर लीजिए कोई भी उसी से आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे कि देखिए एक रे यहां से आ रही है पैडलर पैरलर यहां से आई और प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से निकली और ऐसे पैडलर हो गई क्या हुई फोकस से अलोंग विद प्रिंसिपल एक्सिस निकली सेकेंड रूल लगाया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैडलर आ जाती है और थर्ड रूल लगाया अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो अनडेविएटेड होती है वो सीधे ही ऐसे निकल जाती है तो हमारी आंख यहां पर है यहां पर हमारी आइज है यहां पर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है हमारी आईज इसको रिट्रेस करती है तो दोनों पॉइंट यहां मिलते हुए नजर आते हैं दोनों पॉइंट यहां मिलते हुए नजर आते हैं हम क्या सोचते हैं ऑब्जेक्ट यहां है ऑब्जेक्ट यहां है पर ऑब्जेक्ट यहां नहीं है यहां क्या है उसकी इमेज है ठीक है तो ये क्या हो गया इंफिनिटी पर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इन, इमेज कैसी बनेगी रियल बनेगी दोनों मिल रहे हैं तो रियल इन्वर्टेड यहाँ पर ये यह कैसी थी बहुत बड़ी होगी यहाँ पर ठीक है इन्फिनिटी ये बहुत दूर रखी है सीधी रखी हुई थी हमें कैसी मिल रही है उल्टी मिल रही है ठीक है तो यहाँ पर कैसी मिलेगी छोटी मिलेगी छोटी मिली डिमिनिश्ड मिली और रियल मिली ठीक है अब नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और टू एफ के बीच में रख देते हैं जैसे कि यहां तक ये यह कोई इन्फिनिटी है और ये टू एफ यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ये ओ आप फिर से रूल लगाइए फर्स्ट रूल अगर कोई रे यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से गुजरती है ऐसे फोकस से पास होती है दूसरा सेंटर से पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो डेविएटेड नहीं होती अब हमारी आईज यहां पर है हम इसको देखते हैं हमारी आईज देखती है तो ये दोनों पॉइंट यहां पर हमें मिलते हुए नजर आते हैं तो हमें क्या लगता है ऑब्जेक्ट यहाँ है पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी क्या है इमेज है तो यहां पर हमने देखा ये इमेज बनती है तो यहाँ पर हमें जो इमेज मिलती है वो कैसी मिल रही है रियल मिल रही है फिर इन्वर्टेड मिल रही है ये सीधे लिखी थी ये उल्टी इस तरह से इनवर्टेड मिल रही है और यानी कि ये बड़ी थी ये छोटी है इससे ठीक है तो ये डिमिनिश्ड है अब हमने क्या करा थर्ड में ऑब्जेक्ट को हमने अलग-अलग जगह रखकर देखा तो हम ये देखते हैं कि इमेजेस कैसी बनती है अब ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रखा 2f का क्या मतलब है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलना सही नहीं है जैसे ये f है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होता है तो उसको हमने बोल दिया 2f ठीक है ये होता है 2f अब मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा फिर से रूल लगाइए फर्स्ट रूल क्या होगा यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर जाती है फोकस से निकलती है ये F, फोकस से निकलती है दूसरा सेंटर से जाती है ऑप्टिकल सेंटर से तो अन्डावेटेड होती है हमारी आईज यहां है हम देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे आईज रिट्रेस करती है आईज का काम है रिट्रेस करना वो देखती है कि दोनों पॉइंट यहां मिल रहे हैं तो यहां मिल रहे इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा उसकी इमेज दिखाई दे रही है ठीक है ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा उसकी इमेज दिखाई दे रही है अब हम यहां पर इसको बनाते हैं ये इस कैसा बनेगा ये सीधा था ये उल्टा बन रहा है तो इनवर्टेड बन रही है रियल बन रही है इमेज दोनों मिलती हुई नजर आ रही है रियल है इनवर्टेड है लेकिन साइज में क्या है इक्वल है ये जितने साइज की थी ये उतने ही साइज की मिल रही है ठीक है अब नेक्स्ट है ये तीन तरह की हमने इमेज फॉर्मेशन उसमें देखा कि किस तरह से हमारा होता है इसमें अब बात आती है कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस कैसा होता है इस तरह का जो लेंस होता है इसको हम तो, तो आप इसमें भी रख दीजिए एक ही जैसी इमेज मिलेगी एट इंफिनिटी पे या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस हम देख लेते हैं यहां पर हमने पोजिशन ऑफ इमेज रखी एट फोकस अच्छा इमेज को ऑब्जेक्ट पर या तो हमने इन्फिनिटी पर रखा या इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर हमने रख दिया ये देखिए यहां पर यहां पर देखिए यहां पर इन्फिनिटी और यहां पर, यहां पर ये इमेज हमारा ये वाला देखिए आप इसको समझिए ठीक है यहां पर ये यह ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया 2f और इसके बीच में रख दिया ऑप्टिकल सेंटर और 2f के कहीं बीच में यहां पर रख दिया है ठीक है ये ऑब्जेक्ट रख दिया अब रूल नंबर वन लगाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर होते हुए वो जाएगी ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस से डेविएट होती है और फिर यहाँ पे निकल जाती है दूसरा सेंटर से जाती है और डेविएट नहीं होती है तो ये हम देख रहे हैं ये दोनों ऐसे डाइवर्स हो रही है ठीक है अब हमारी आईज क्या करती है फिर से रिट्रेस करने का काम करती है तो रिट्रेस करती है हमारी आईज तो ये दोनों पॉइंट हमको कहा मिलते, है? मिलते हैं इधर मिलते हैं इधर पीछे की तरफ लेंस के पीछे की तरफ हमें क्या लगता है कि फोकस के इधर पर यहां पर हमें फोकस से आती हुई नजर आती है ये लाइट इस तरह से लेकिन हम क्या इसको पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और हम यहां देखते हैं यहां पर दोनों लाइट इस तरह से मिल रही हैं हम कहते हैं इमेज कहाँ है यहां पर है तो ये जो इमेज है ये कैसी इमेज है ये मिलनी कहाँ चाहिए थी आगे मिलनी चाहिए थी लेकिन हमारी आईज को क्या लगता है ये है यहां से फोकस से आ रही है लेकिन आ कहां से रही है ये इमेज यहां से आ रही है यानी कि ये इमेज कैसी हो गई वर्चुअल इमेज रियल नहीं है ये इमेज कैसी कहलाएगी वर्चुअल इमेज ये इमेज कैसी है छोटी है ये ये ऑब्जेक्ट कैसा है बड़ा है रियल नहीं है ये कैसी है वर्चुअल इमेज है डिमिनिश्ड है और ये इरेक्ट है इरेक्ट का क्या मतलब है सीधी है ये इमेज कैसी है सीधी है ठीक है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों में सेम ही मिलेगा हमको ठीक है तो इस तरह की जो इमेजेस बनती हैं वो बनती है कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में ठीक है तो कॉन्केव लेंस क्या करता है हमारा डाइवर्सिंग करता है डाइवर्स करता है क्या करता है डाइवर्स करता है रेस को और कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या देखा सबको कन्वर्स कर लेता है तो दोनों में एक डिफरेंस आ गया कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्सिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं ठीक है थीके? अब रिफ्लेक्शन लेंस इसमें हमारा एक फॉर्मूला है लेंस ये ये होता है है आपको डायरेक्ट याद करना है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन के लिए था उसमें पॉजिटिव हो जाता है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज टू वन अपॉन एफ एफ क्या है फोकल लेंथ यू क्या है ऑब्जेक्ट और वी क्या है इमेज ठीक है तो ये स्टूडेंट था आपका रिफ्लेक्शन और लेंस के बारे में हमने पढ़ा और रिफ्रेक्शन के बारे में हमने पढ़ा लेंस के रूल्स पढ़े लेंस से हम इमेज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग जगह हमने ऑब्जेक्ट रखकर देखा अलग अलग जगह हमने इमेज बनाकर देखी कि लेंस से इमेजेस कैसे बनती है बेसिक डिफरेंस क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में थैंक यू